ॐ भ्रीं नमो अर्हन्तायणम् ॐ भ्रीं नमो सिद्धा ॐ भ्रीं नमो आयरीयाणम् ॐ नमो उवज्झ्रानम् ॐ ह्रीं नमो लोये सब्साहूणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सब्पावपणासनो मङ्गलार्णं च सब्सिं पढमं मंगलं मंगलम अनुष्ठान प्रारंभ हो रहा है यथा संभव रीढ़ की हड्डी सीधी गर्दन सीधी मन शांत चित एकाग्र पूरी तन्मयता शक्ति की अनुप्रेक्षा शरीर के प्रत्येक अंग के साथ करते हुए सर्वप्रथम सुरक्षा कवच का प्रयोग ऋषभो ऋषभ रक्षे भगवान ऋषभ मेरे मस्तक की रक्षा करे पिविलो चने। अजित प्रभु मेरे आंखों की रक्षा करे संभव कर्णयुगले संभव प्रभु मेरे दोनों कानों की रक्षा करे भी नासिके अभिनंदन प्रभु मेरे नाक की रक्षा करे ओष्ठ श्री सुमति रक्षे सुमति प्रभु मेरे होठों की रक्षा करे दंतान पद्म, पद्म प्रभु मेरे दांतों की रक्षा करे जिब्वाश्वेवय सुपाश्व प्रभु मेरे जीव की रक्षा करे तालुम चंद्र प्रभा चंद्र प्रभु मेरे मुख के तालु की रक्षा करे कंठम श्री सुविधि सु प्रभु मेरे गले की रक्षा करे हृदय शीतल शीतल प्रभु मेरे हृदय की रक्षा करे श्रेयांसो बाहु युगलम श्रेयांश प्रभु मेरे दोनों बाहुओं की रक्षा करे वास्यम सुपू्य प्रभु मेरे दोनों हाथों की रक्षा करें विमल प्रभु मेरे हाथ की उंगलियों की रक्षा करे अनंत प्रभु मेरे सारे नाखूनों की रक्षा करे श्री धर्मोप्युदरा धर्म प्रभु मेरे पेट एवं हड्डियों की रक्षा करे श्री शांतिमंडलम शांतिनाथ मेरे पूरे नाभिमंडल की रक्षा करे श्री कुंथुनाथ मेरे पेट के निचले भाग की रक्षा करे दरो अर प्रभु मेरे बाल एवं जंघाओं की रक्षा करे मल्ली रो पृष्ठ मल्लीनाथ मेरे घुटने एवं कमर की रक्षा करे पिंडी काम मुनि सुब्रत मुनि सुब्रत प्रभु मेरी पिंडलियों की रक्षा करे नमीनाथ नमी मेरे पैर की उंगलियों की रक्षा करे। श्री करेमीनाथ मेरे दोनों पैरों की रक्षा करे श्री पार्श्वनाथ सर्वांगम पार्श्वनाथ प्रभु शेष मेरे पूरे शरीर की रक्षा करे वर्धमानिदात्मक वर्धमान भगवान महावीर मेरी आत्मा की रक्षा करे पृथ्वी जल जगत जलते काो निरंजन वीतरा गो एवं वितराग प्रभु मुझे पृथ्वी पानी अग्नि वायु एवं आकाश से संबंधित सभी उपद्रवों से मेरी रक्षा करें एवं पाप से मेरी आत्मा की रक्षा करे रक्षा करें सुरक्षा कवच संपन्न अग्रिम तीन बार ओम की ध्वनि लंबा गहरा श्वास लेते हुए ओ ध्यान जिनके पास कागज है वो कागज से अथवा जो याद दिख रहा है सब यथनापूर्वक खुला मुंह कोई न बोले यथनापूर्वक साथ साथ में इसका उच्चारण कर सकते हैं शब्दों न गंधो न रूपम न सायरम न गौरो न पीतो ना नीलो न कृष्ण स्वयं भो जिनोहम जिनो हम स्वयं जिनोहम हम जिनो स्वयंवाच्यो जिनो हम जिनो हम स्वयं न भीतिर्न शंका न चिंता न न खेदो न शोको न कंपो न दुखम न ईर्ष्या कामो न, न भेदो न गर्व स्वयंभोरवाच्यो जिनोहं जिनोहं स्वयम्भोरवाच्यो जिनोऽहम् स्वयम्भोरवाच्यो न वैरं न रागो प्रभुर्नैव निम्नो न नाथो न दासो जनुर्नैव मृत्युः न पंथा न पांथो न वायरो न बद्ध स्वयंूरवाच्योजिनोहम जिनोहम स्वयंभूरवाच्योजिनोहम जिनोहम स्वयंभूरवाच्यो कषायर्विमुक्तदनंदयुक्त विचारस्य शब्दस्य भारेण मुक्तः अहम् निर्मलो निस्पृहो निस्कलोहम् स्वयं भोइद वाच्य जेनोहम् जेनोहम् स्वयं भोइद वाच्य जेनोहम् अहम् वितरागो जेनोहम् जिनो हम अहम पूर्ण कामो जिनो हम अहम ज्योतिपो जिनो हम स्वयं हम स्वयं जिनो हम स्वयं भूरवाच्यो ध्यान संपन्न अग्रिम त्रिपदी गीत करने आत्मा गुरु धर्म मिले करने आत्मा का ने देवा गुरु धर्म भवसाय को करने पाए देव गुरु धर्म मिले सुख कायर भव सागर को करने देवा गुरु धर्म मिले है देव धर्म के करता प्रभु कर दुख हरता है देव धर्म के वंदन वीत राग अविकार देव गुरु धर्म मिले वंदन वीत राग अविकार गुरु धर्म पंथ दिखलाते गुरु सचा तत्व सिखाते गुरु धर्म चतुर विधा धर्म संघ आधार देव गुरु धर्म मिले चतुर विधा धर्म संघ आधार देव गुरुधर्म जो कथनी निर ग्रंथों की

है ये अनंत गुण धारी शुभ देव धर्म गुरु भारी है ये अनंत शुभ देव धर्म गुरु भारी दीपानंदन का संसार देव गुरु धर्म दीपाय नंदन का संसार देव गुरु धर्म मिले करने ने आत्मा का ने देव गुरु धर्म भव सागर को करने ने पायर देव गुरु अनुष्ठान संपन्न अनंतास्था के केंद्र प्रभु महावीर के श्री चरणों में वंदन परमाराध्य परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदना अंतर्विराजित मुनुष्य के चरणों में वंदन यहाँ उपस्थित धर्मानुरागी भाई और बहनों परुषन परवाराधना का द्वितीय दिवस लगातार सभी लोग आत्मोत्थान की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसी प्रकार हमें आगे बढ़ते रहना है हमें यह आत्मचिंतन करना चाहिए कि जब मैं स्वयं को पिछले दिन से अपने आप को तुलना करता हूं कि कल मैं जैसा था क्या आज मैं वैसा ही हूं अगर जैसा मैं कल था और आज भी वैसा का वैसा ही हूं तो इसका अर्थ मतलब कोई खास विकास नहीं हुआ कल मैं जैसा था और आज अगर उससे बदतर हूं तो इसका मतलब मैंने तो अपना और नुकसान किया पर कल मैं जैसा था और आज मैंने अपने आप को और बेहतर अगर बनाया है तो इसका अर्थ मैं प्रदूषण पर आराधना की अच्छी तरह आराधना कर रहा हूं मैं कुछ सीख रहा हूं और जीवन में परिवर्तन भी ला रहा हूं हम श्रावकत्व के विषय में कल सुन रहे थे कि एक श्रावक श्रेष्ठ श्रावक या उच्च कोटि का श्रावक कौन होता है तो कुछ विषयों पे हमने चर्चा कल प्रारंभ की थी तो भगवान महावीर ने जब तीर्थ की स्थापना की एक तीर्थंकर तभी तीर्थंकर बनता है जब वो तीर्थ की स्थापना करता है तो शास्त्रों में तीर्थ शब्द के दो अर्थ बताए एक तीर्थ का अर्थ है प्रवचन कि जो तीर्थंकर होते हैं वे ही प्रवचन का प्रारंभ करते हैं क्योंकि जब तक कोई तीर्थंकर है ही नहीं अगर केवल ज्ञानी न हो धर्म बताने वाला कोई नहीं हो तो प्रवचन किस बात का करेंगे प्रवचन में क्या सुनाएंगे तो जो तीर्थंकर होते हैं वो धर्म देशना का प्रारंभ करते हैं प्रवचन का प्रारंभ करते हैं इसलिए उन्हें तीर्थ का कर्ता अर्थात तीर्थंकर कहा गया दूसरा जो एक धर्म संघ या श्रमण संघ प्राचीन काल में न तो श्रमण संघ नाम इतना प्रचलित था और जैन शब्द ही नहीं था जैन शब्द तो भगवान महावीर के निर्वाण के भी लगभग 900 साल बाद आया उस समय तो जैन शब्द ही नहीं था उस समय निर्ग्रंथ धर्म नाम से भगवान महावीर का शासन जाना जाता निर्ग्रंथ धर्म तो निर्ग्रंथ धर्म के भी एक कहा था कि जब भी एक धर्म शासन प्रारंभ होता है तीर्थंकर जब धर्म की स्थापना करते हैं तो वो चार चीज का निर्माण कर दे उद्घोषणा कर दे, स्थापना करते हैं वो होते चार चार तीर्थ तीर्थ और वो चार तीर्थ में होते हैं साधु साध्वी, श्रावक और श्राविका तो आप सभी लोगों को गर्व होना चाहिए कि हम उस भगवान महावीर के तीर्थ के हम भी अंग तो जो साधु साध्वी या श्रावक श्राविका है वो जैन शासन का मूलभूत अंग है और जैन धर्म के सबसे बड़े ये तीर्थचारी है बाकी इसके सिवाय और कोई तीर्थ आगमों में कोई उल्लेख नहीं है कोई स्थान तीर्थ नहीं होता है व्यक्ति जब को स्वीकार करता है यदि संयम थोड़ा हो तो वो श्रावक कहलाता है और वही संयम जब पूरा हो तब तो वो साधु कहलाता है तो जहां संयम है वहां तीर्थ है जहां असंयम है वहां वह किसी भी प्रकार का तीर्थ नहीं होता तो श्रावकत्व पे हम चर्चा कर रहे हैं तो एक अच्छे श्रावक बनने के लिए या अच्छा तो छोड़े पहले श्रावक बनने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है सम्यक्त्व सम्यक्त्व की तो प्राप्ति हो कल हमने मुनि से अजित कुमार जी स्वामी ने से सुना कि भगवान महावीर के जीव ने आज जब उनका नएसार का जब भव आया था तब पहली बार सम्यक्त्व की प्राप्ति की थी आप देखिए भगवान महावीर को सम्यक्त्व को प्राप्त करने में कितना समय लगा कितना समय लगा अनंत भव लगे अनंत जनम अनंत अनंत जनम लग गए तब जाके के जीव में ऐसा बनता है, उसे संत मिलते हैं मन में भावना जगती है वो व्रत निप जाता है संतों से उपदेश सुनता है और पहली बार भगवान महावीर के जीव ने सम्यक्त्व को प्राप्त किया और फिर आगे आगे देखते जाइए कैसा विकास होता है हालांकि विकास सीधा सीधा विकास नहीं था विकास भी हुआ राज भी हुआ भगवान महावीर का जीव देवलोक में भी गया नरक में भी गया तिरंज गति में भी गया मनुष्य गति में भी गया तो ये जो सत्ताईस पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय के जो भव थे उनमें कहते हैं कि सत्ताइस संगी इतने भावों में भगवान महावीर ने फिर अपने सभी कर्मों से मुक्त होके वो सिद्ध बुद्ध बन गए तो सम्यक्त्व को प्राप्त करना बहुत ही कठिन बात है सरल काम नहीं है आज इतना सरल काम होता तो कितने ही जी फटाफट फटाफट तो लेके मोक्ष चले जाते पर ऐसा होता नहीं है कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं कितने पुरुषार्थ करना पड़ता है आत्मा में वैसे कर्मों का हल्कापन भी आए स्वयोगशम भी हो और साथ साथ में ऐसा योग संयोग भी मिले जैन शास्त्रों में दो प्रकार के शब्द बताए गए एक भवी और दूसरा अभवी भवी का अर्थ बताया गया जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता है वो भवी कहलाता है और जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है वो अभवी के परिभाषाओं पे हम ध्यान दे भवी का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है जो मोक्ष जाएगा वो भवी होता है क्योंकि ऐसे अनंत भवी जीव होंगे जो कभी मोक्ष नहीं जाने वाले तो भवी का अर्थ होता है जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता है मोक्ष चला जाएगा ये जरूरी नहीं होता तो एक भवी जीव में योग्यता तो जरूर है पर हर भवी तो सम्यक तो प्राप्त नहीं करता तो क्योंकि कारण बताया गया कि हर पत्थर में मूर्ति बनने की योग्यता तो होती है पर जरूरी नहीं कि उसे वैसा शिल्पकार या मूर्तिकार मिले जो उस पत्थर को मूर्ति का रूप दे सके तो कितने भवी जीव ऐसे होते हैं कि जब वैसा उन्हें उचित संयोग अगर न मिले मौका न मिले तो वो कैसे योग्यता रखते हुए भी वो सम्यक् कैसे बनेंगे तो जब हम, हम हमारे बारे में चिंतन करते हैं तो इस विषय में भाई हम तो बड़े सहयोग वाले हैं हमारे कलम कर्मो कर्मों का इतना हल्कापन तो कम से कम हो चुका है कि भाई हमने सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया तो सम्यक्त्व को प्राप्त करना बहुत बड़ी उपलब्धि है बहुत बड़ी उपलब्धि यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेना अर्थात एक चीज पक्की हो गई क्या पक्की हो गई मोक्ष जो एक बार भी सम्यक्त्व प्राप्त कर ले ये निश्चित हो जाता है कि भाई अब उसके भवो का उसकी भवो की सीमा हो गई अब वो निश्चित पक्का मोक्ष जाएगा ही जाएगा वो भव्य जीवों में भी उन छोटे से श्रेणी का जीव का वो हिस्सा बन जाता है जो भी हो गए और आने वाले काल में मोक्ष भी जरूर जाएंगे तो चाहे हम साधु साध्विया हैं या आप श्रावक श्राविकाएं आए ये चीज तो पक्की हो गई कि हमें मोक्ष तो निश्चित अब सम्यकत्व तो प्राप्त तो हो गया ये काम तो चलो बड़ा कार्य हो जाता है पर जैसे बताया गया सम्यको तो प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है पर सम्य वापस खोना बहुत सरल है सम्यक्त को सुरक्षित रखना सरल काम बिल्कुल नहीं होता है और क्यों सरल काम नहीं है साधु साध्वियों के लिए तो मान लो फिर भी एक अपेक्षा से सरल हो सकता है क्योंकि हम लगभग लगभग धर्म के वातावरण में ही रहते हैं हम ऐसे बड़े संतों के साथ रहते हैं प्राय प्राय साधु साध्वियों का जीवन खुली किताब की तरह है लोगों के सामने है पढ़ाई भी इधर ही है या लोग नहीं तो बड़े संतों के साथ में है प्राय संतों के साथ में ग्रुप में ही रहना होता है क्योंकि जो स्थिर कल्पिक अर्थात हम जो साधु साधविया होते हैं जो साधु साधु वस्त्र पहनते हैं उन्हें अकेला रहना तो कल्पना नहीं है तो कम से कम दो तीन कभी अधिक अधिक में चार और गुरुदेव के सानिध्य में तो बड़ा ठाट लगा होता है तो इतनी इतना बड़ा ग्रुप होता है तो जब समूह में रहा जाता है तो वहां पर सम्यक्त्व के खोने की संभावनाएं कम होती है थोड़ी होती है पर जब आपके जीवन को देखा जाए तो बड़ी समस्या है आपके लिए बड़ी दुविधा है आप लगातार धर्म के वातावरण में नहीं रहते हैं आप कितने लोगों से मिलते हैं कितने जगह पर जाते हैं अलग अलग स्थान पर जाना इतने लोगों से मिलना बातचीत करना और हर संपर्क में आने वाला व्यक्ति तो सम्यक नहीं है तो जब अगर कोई टेढ़ा व्यक्ति आ जाए आपके संपर्क में कहा जाता है भगवान महावीर का शासन काल के लोग कैसे हैं बोले वक्र जड़ है एकदम टेढ़े हैं इतने टेढ़े हैं और इतने मतलब कहते हैं समझाना जिन्हें महाभारत हो तो ऐसे जो श्रावक होते हैं ऐसे ठीक है श्रावक भी वही है साधु भी उसी प्रकार के हैं पर ऐसे ही वक्र जड़ यदि मिथ्यात्री और मिल जाए और उसके संपर्क में यदि आ जाए तो ये संभावना हमेशा बनी रहती है कि यदि हम उस व्यक्ति के प्रभाव में आ जाए तो हमारा सम्यक्त्व हम खो सकते हैं तो सम्यक्त्व को सुरक्षित रखना बहुत ही कठिन माना गया एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत है एक बार एक व्यक्ति था उसके पास में मेमना था मेमना होता ना भेड़ भेड़ का बच्चा तो भेड़ का बच्चा लेके एक व्यक्ति जब जा रहा था तो मेमना लेके चल रहा था इतने में एक ठग आता है अब ठग होते हैं वो बड़े चतुर होते हैं दिमाग वाले होते हैं तो ठग आता है और उस व्यक्ति को कहता है कि अरे तू तो अपने हाथ में ये कुत्ते के बच्चे को पिल्ले को लेके क्यों चल रहा है उसने अपने हाथ में देखा कि, अरे पिल्ला किधर है ये तो मेमना है ये तो बोले नहीं नहीं पिल्ला है तेरे को दिखता नहीं है तेरी आंखों में कोई खराबी हो गई है बोले नहीं नहीं ये तो ये मेरे को पता है ये पिल्ला नहीं ये मेमना ही है भेड़ का ही बच्चा है ये कह के पहला ठग

जब चौथे व्यक्ति ने ये बात कही करे तेरे हाथ में मेमना नहीं तेरे हाथ में पिल्ला है उस व्यक्ति ने मान लिया सच्ची में लगता है मेरे को आज बरबर दिख नहीं रहा होगा और उसने उस मेमने को उधर ही छोड़ दिया बोले पिल्ला है पिल्ला लेके क्या करूंगा और पीछे से ठग उस मेमने को लेके चले गए तो ये होता है संसार में जो व्यक्ति संसार में ज्यादा रहते हैं विशेषकर श्रावक श्राविकाओं के साथ भाई वो तो सम्यक्त भी है पर वो जिस दुनिया में रहते हैं वहां पर अपने सम्यक्तों को सुरक्षित रखना बहुत कठिन हो जाता है

तो हो सकता है कि मोक्ष प्राप्त करने में और अनंत समय लग जाए पर यदि हम चाहते कि भाई और अनंत समय हमें दुख नहीं भोगने हैं अनंत समय कभी कीड़े के रूप में कभी जानवरों के रूप में कभी नरक के रूप में हमें अगर यातना नहीं भोगनी है तो हमें हमारे सम्यक्तों को सुरक्षित रखना होगा जो सम्यक्त प्राप्त कर ले ये तो पक्की बात है उसका आत्मा का जरूर विकास होगा आप सभी लोग अरत का संज्ञान करते हैं तो उसमें कितनी सुंदर पंक्ति आती है जब अरतना के बाद में जब गीत गाया जाता है वंदना का भाव भी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाए बिंदु भी हम सिन्दो भी है भक्त भी भगवान भी है छिन्न कर सब ग्रंथियों को सोप्त चेतन को जगाए भाव भी बंदना भग में तो हम अभी बिंदु हैं पर हमारे में योग्यता है कि यही बिंदु सिंधु बन सकता है यही भक्त भगवान भी बन सकता है पर उस विकास की दिशा तक पहुंचने के लिए अपने सम्यक्त्व को पुष्ट रखना सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती कितनी है कितनी बार ऐसी संभावनाएं होती है कि यदि हम हमारे सिद्धांतों पर अड़िग न रह सके तो दुनिया में भटकाने के साधन तो बहुत होते हैं तो सम्यक्त्व के विषय में और इस मिथ्या दर्शन शल्य पाप के विषय में कुछ बातें जो बताई जाती है वो ये हो पहली बात जो उसमें पहला तत्व यही होता है कि हम हमारी संगत कैसी रखते हैं हम किन व्यक्तियों के साथ रहते हैं किन व्यक्तियों के साथ हमारा उठना बैठना होता है क्योंकि ये बहुत फर्क पड़ता है कि जिन व्यक्तियों के संपर्क में हम रहते हैं वैसे ही संस्कार जीवन में कम या ज्यादा अलग बात है पर अवश्य आ जाती आप लोग स्वयं देख सकते हैं कि जो बच्चे साधु साधियों के बहुत संपर्क में रहते हैं बरोबर आना जाना चालू रहता है दर्शन करते हैं ठिकाने जाके सामायिक करते हैं उन बच्चों के उनके चाहे बोली व्यवहार देखो उनके बात करने का तरीका देखो उनके संस्कार को देखो आपको स्पष्ट पता चलेगा और वही दूसरे व्यक्ति जो कोई सही संगत के संपर्क में नहीं होते बस केवल उनके जैसे बच्चे जैसे उनके संपर्क में होते हैं तो गलत आदतें भी जल्दी लग जाती हैं संस्कार भी टूट जाते हैं परिवार में दरारें भी जल्दी आने की संभावना होती है तो पहली चीज ये होती है कि सम्यक्त्व को सुरक्षित रखने के लिए हम ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में रहे जो हमारे सम्यक्त्व को हानि न पहुंचाए जो लोग साधु साधु के संपर्क में रहेंगे जो लगातार तत्व चर्चा करेंगे बात को समझते रहेंगे तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति को कभी कोई गलत जानकारी हो भी जाए तो वो चर्चा करके उसमें सुधार कर सकता है उसमें परिवर्तन ला सकता है पर जिसकी संगत सही नहीं होगी उसमें गलत संस्कार स्वतः आ जाएंगे एक छोटा सा एक ठाणम सूत्र का एक छोटा सा अंश में आपको सुनाना चाहूंगा कि जब भगवान महावीर की ये निर्ग्रंथ प्रवचन ये जो देशना है उसमें भगवान महावीर ने श्रावकों के कुछ प्रकार बताए तो उसका सूत्र इस प्रकार है ठाणम सूत्र के जो चौथा स्थान अर्थात उसका जो चौथा अध्ययन उसका सूत्र नंबर चार जो इस प्रकार है चतारी समणु पन्नता तम जहा अम्मा समाणे भाति समाणे मित्र सवत्ति समाणे तो एक छोटा सा सूत्र पर बड़ा सार गर्भित सूत्र है कि भगवान महावीर ने श्रावक के चार प्रकार बताए कि चार प्रकार के श्रावक होते पहला प्रकार के श्रावक बताया जो अम्मा समान है अर्थात जो माता पिता के समान होता है देखिए श्रावकों को कितना एक श्रेष्ठ श्रावक को कितना श्रेष्ठ उदाहरण दिया कि जो माता पिता के समान होता माता पिता कैसे होते हैं भाई माता पिता अगर उनका बच्चा चंचल हो समझदार हो कि न हो पर तो भी वो अपने बच्चे को लगातार उस पर वात्सल्य ही बरसाते हैं वो ऐसा ही कार्य करते हैं जिससे बच्चे का हित हो बच्चे का जीवन सुधरे उसका अच्छा हो उसका भला हो वो लगातार इसी दिशा में प्रयास करें ऐसा नहीं कि भी बच्चा अगर शैतान है बच्चा बदमाश है तो पूरे गांव में ढिडोरा पीटेंगे तो है। होते हैं तो जो, है, जो साधु साधियों के प्रति हमेशा वात्सल्य भाव रखते हैं हर तरीके से उन्हें आध्यात्मिक सहयोग देने की भावना रखते हैं चाहे कुछ भी हो जाए ऐसा नहीं कि आप कभी भवन में आए आपने साधु साध्वियों को कुछ ऐसा कुछ कोई ऐसा कार्य करते हुए देख लिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए अरे ये तो साधु ही नहीं है जाओ इनको मैं तो जाऊंगा ही नहीं अगली बार से ये अच्छे श्रावक के लक्षण नहीं एक अच्छा मजबूत सम्यक्त वाला श्रावक क्या करेगा वो आएगा वो साधु साधियों की सेवा करेगा जैसे प्रकार अगर बच्चा गलता कर गलती अगर कर ले तो माता पिता क्या करेंगे छोड़ के आ जाएंगे वह आपसे तेरा मेरा रिश्ता खत्म वो जाएंगे उसे समझाएंगे जिस तरीके से तो वैसे एक श्रावक भी आएगा वो निवेदन करेगा कि महाराज मेरे ध्यान में आपसे ये गलती हो गई ये संभव आपको नहीं कलपता है तो तुम्हारा आपको इसमें सुधार कर लेना चाहिए फिर भी अगर वो साधु साधी न माने तो हम गुरु तक बात पहुंचा सकते हैं आचार्य तक बात पहुंचा सकते हैं तो ये एक विनीत श्रावक का का तो ये पहले प्रकार का श्रावक हो गया माता पिता के समान दूसरा बताए भाती समान है मतलब भ्रातृ के समान भाई के समान होता है ये उससे थोड़ी नीचे की श्रेणी हो गई भाई कैसा होता है भाई भाई कुछ चीजों में तो बहुत बढ़िया बढ़िया रहता है भाई साथ में घूमने जाना है तो साथ साथ में राजी राजी तैयार है पर जब पैसे की बंटवारे हो जाती है तो वह झगड़ा हो जाता है नहीं मेरे को तो कम दिया नहीं उसको ज्यादा दिया तो कुछ चीजों में तो बताया गया जो भांति समान है भाई के समान जो श्रावक श्राविका होते हैं वो कैसे होते हैं कि, कि जीवन निर्वाह के विषय में अर्थात साधु साधु को वैसे सहयोग देने में तो हमेशा आगे रहते हैं पर तत्व चर्चा में कई बार कुछ उल्टी बात कह देते हैं तर्क वितर्क कर देते हैं और सही चीज को बरोबर स्वीकार नहीं करते तीसरे प्रकार के श्रावक बताएगा, समाने, मित्र के समाने। मित्र मित्र समान समान अर्थात के ऐसा होता है कि जब सब ठीक ठीक चल रहा हो अच्छा चल रहा हो सब बढ़िया चल रहा हो तब तो बहुत घनिष्ठ होता है थोड़ी तू तू मैं हुई थोड़ी कोई बात हुई थोड़ी विचारों का भेद हुआ और वो मित्रता वहां पर खत्म हो जाती तो तीसरे प्रकार के श्रावक ऐसे होते हैं कि जब भाई साधो साधी अच्छा अच्छा फरमा रहे हैं हमारी तारीफ कर रहे हैं हमें अच्छा आशीर्वाद देते हैं सब कुछ देते हैं तब तक तो सेवा में आएंगे बरोबर रहेंगे जिस दिन कोई गलती हुई उपालम दे दिया अगली बार से आना जाना बन अब आप बताइए अगर किसी व्यक्ति को यहाँ बीच में खड़ा करके उसको उपालम दे दे तो क्या लगता है उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी कहना बहुत कठिन है पर कभी ऐसा अवसर आ भी जाए देखो साधु साधु फरमाते बस उसके हित शिक्षा मान के ले लिया तो वो श्रावक माता पिता के समान हो सकता है परंतु मित्र के समान होगा थोड़ी प्रतिकूलता आई और वो समाप्त और चौथे प्रकार का श्रावक जिसे बताया गया सवत्ति समान समान है है अर्थात सौत 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 के तो पत्नी होती दूसरी पत्नी होती है तो वो कैसी होती है वो तो बस मन में ईर्ष्या का भाव दुश्मनी का भाव वे साधु साधु कैसे भी हो वे मेरे को तो कमी निकालनी है कितने व्यक्ति समाज में ऐसे होते हैं जो ठीक है कहलाने के लिए तो श्रावक है पर उनका एक ही काम धंधा है क्या वे जाओ चुन चुन के गलती लेके आओ और व्हाट्सएप पे तिल कलपता है सबसे निम्न प्रकार के श्रावक होते हैं जो ऐसे तो हमें ये चिंतन करना चाहिए कि हम किस कोटि के श्रावक बने हम हमारा कैसे विकास करें इस आगम के सूत्र से प्रेरणा लेकर हम श्रावक जीवन के बारे में आगे भी संभवतया जान सकेंगे तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और अब मंगलाचरण के लिए सायन कोलीवाड़ा की बनते ए मेरे संग के लोगों परियूषण पर्व है आया पर मत भूलो क्षमा पे ना को वीरों का भूषण कहलाया कर प्रतिक्रमण आत्मा का आत्मा को निर्मल बनाए आत्मा को निर्मल बनाए महापर्व परूषण आया जन जन के मन हर साए जीवन के यात्रा पथ पर स्वाध्याय के दीप जलाए महापर्व परूषण आया जन जन के मन हर्षाय जीवन के यात्रा पथ पर स्वाध्याय के दीप जलाए स्वाध्याय सुधा सिंचन से आत्मा बनती है निर्मल प्रभुवर की वाणी सुनकर अंतर की ज्योति जलाएं जीवन के यात्रा पथ पर स्वाध्याय के दीप जलाएं स्वाध्याय का दर पढ़ लेकर हम अपना रूप निखारे स्वाध्याय का दर्पण लेकर हम अपना रूप निखारे स्वाध्याय योग के द्वारा स्वाध्याय योग के द्वारा आत्मा का कचरा बुहा चिंतन मंथन के द्वारा नूतन प्रकाश को पाए जीवन के यात्रा पथ पर स्वाध्याय के दीप जलाए गौतम ने पूछा प्रभु से स्वाध्याय से क्या मिलता है गौतम ने पूछा प्रभु से स्वाध्याय से क्या मिलता है अज्ञान मिटे प्रभु के त्म चमन खिलता है स्व का अध्ययन करना है स्वाध्याय दिवस बतलाए जीवन के यात्रा पथ पर स्वाध्याय के दीप जलाए महापर्व परूषण आया जन जन के मन हर शाय जीवन के यात्रा पथ पर स्वाध्याय के दीप जलाये स्वाध्याय के दीप जलाये आत्मा को निर्मल बनाए आराध्य के चरण वंदन विराजमान प्रोफेसर मुनीष्री महेंद्र कुमार स्वामी के में वंदन उपस्थित धर्मानुरागी भाई और बहनों आज स्वाध्याय दिवस है सबसे पहले तो हम स्वाध्याय का अर्थ जानते हैं स्व अध्याय स्व अध्याय मतलब हम दूसरों को तो बहुत पढ़ते हैं किताबें बहुत पढ़ते हैं पर किसको नहीं पढ़ पाते है? खुद को तो स्वाध्याय का मतलब ही ये है कि जब व्यक्ति खुद को पढ़ता है स्वयं को पढ़ता है तो उसको स्वाध्याय बोलते हैं अब आप बहुत लोग स्वाध्याय करते हैं पर आज हम थोड़ा ये जानने की कोशिश करते हैं स्वाध्याय क्यों क्या कैसे सबसे पहले तो स्वाध्याय क्यों करना चाहिए बहुत लोग पूछते हैं कि स्वाध्याय करने से हमको क्या लाभ मिलेगा क्योंकि कई बार हम जो स्वाध्याय करते हैं उसका हमको मीनिंग नहीं पता होता है स्वाध्याय तो करते हैं भक्तामर कितने लोग करते हैं वो सगर हरम स्त्रोत्र कितने लोग करते हैं ऐसे अनेक कितने कितनी चीज़ें हैं जो हम रट्टू टोता की तरह स्वाध्याय तो करते हैं हमको लगता है कि हम क्यों कर रहे हैं ठीक है साधु संत प्रेरणा देते हैं कर लेते हैं पर हमको उससे क्या फायदा मीनिंग पता है तो दिख रहा है फायदा हो रहा है पर अगर मीनिंग नहीं पता है तो फिर क्या फ़ायदा तो बहुत सिंपल सी बात है जैसे आप लोग जानते हो आप सबके पास मोबाइल है मोबाइल में आप देखो आपको कोई भी समस्या होती है तो आप कहाँ पूछते हो गूगल में पूछते हो अब गूगल मोबाइल में होता है आपको पता है गूगल का ऐप होता है तो ऐप के बिना आप कभी गूगल में पूछ सकते हो क्या कोई चीज समझ में नहीं आ रही है वीडियो के थ्रू देखना है कहाँ जाओगे यूट्यूब जाओगे तो यूट्यूब का ऐप नहीं होगा तो फिर आप यूट्यूब में जा पाओगे क्या तो जैसी समस्या वैसा आप ऐप ले लेते हो भाई ये दिक्कत आ रही है तो इसका ये ऐप डाउनलोड कर लेते हो तो कुछ कुछ आप देखो ऐप आपको यूज करना आता है पर आपको ऐप बनाना आता है क्या ऐप की कोडिंग कैसे हुई वो पता है क्या वो जानकारी है क्या नहीं पर तो भी आपको वो हेल्पफुल है तो कुछ कुछ ऐसे ही ये जो स्वाध्याय होता है ना भक्तामर हम करते हैं वह सब हम करते हैं तो ये भी एक ऐप की तरह जिसकी कोडिंग हमको नहीं पता कैसे हुई क्या हुई पर बनाने वाले ने बना दिया जैसे उसमें इंजीनियर ने बना दिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने जो भी बनाना था बना दिया वैसे इसमें जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो कौन है साधु संत है तो उन्होंने अपने मस्तिष्क से एक ऐप की रचना की अब जब आपको समस्या आएगी आप क्या करोगे उसको डाउनलोड करोगे डाउनलोड करके उसको यूज करोगे और आपका समाधान आपको मिल जाएगा तो सबसे बड़ी बात है कि हम अर्थ में ना भी जाए खाली हम उसका स्वाध्याय करें तो भी हमको लाभ मिलेगा ही मिलेगा अर्थ करते हैं तो सवाया मिलेगा पर बिना अर्थ भी उसका लाभ मिलेगा और दूसरी बात है शुभ योग आप ऐसे ही बैठे हो तो सबसे पहले दिमाग में आपके क्या आता है घर की बातें आती है ऑफिस की बातें याद आती हैं तो ये सब बातें दिमाग में आती है ये सारी बातें जो है बातें हैं और ज्यादातर आपको पॉजिटिव बात आएगी या नेगेटिव बात आएगी नेगेटिव बात आएगी तो उससे तो अच्छा क्या करना चाहिए जब आपका वीकेंड टाइम है फ्री टाइम है उस समय पर आपको क्या करना चाहिए स्वाध्याय करना चाहिए सामायिक करो नहीं करो सामायिक करो तो बहुत अच्छा है पर कम से कम स्वाध्याय तो हो ही जाना चाहिए तो मैं तो परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी को भी देखता हूँ गुरुदेव जब कभी भी गोचरी के लिए पदार्थ है ना तो गोचरी के लिए पदार्थे कई बार बीच में थोड़ा सा भी समय मिला पाँच मिनट दस मिनट भी मिला तो आसपास में जो शैक्ष संत होते हैं छोटे संत होते हैं गुरुदेव उनको कहते हैं कि चलो चालू करते स्वाध्याय तो दसवें कालिक चितार्थें उत्तराध्ययन चितार्थें जब जो मौका मिलता है तो वो भी देखो पाँच मिनट या दस मिनट भी वेकेंट टाइम मिला फ्री टाइम मिला तो उसको ऐसे ही नहीं गवाते कुछ पॉजिटिविटी से उसको भरने की कोशिश करते हैं जैसे आप लोगों को खाना चाहिए ना शरीर के लिए जैसे खाना चाहिए ना तो वैसे आत्मा के लिए चाहिए नहीं चाहिए हम शरीर का तो बहुत ध्यान देते हैं पर आत्मा का ध्यान नहीं रहे पर आप कौन हो शरीर हो या आत्मा हो आप तो आत्मा हो तो आपको फ्यूल चाहिए नहीं चाहिए फ्यूल बिना गाड़ी चलेगी क्या जैसे खाने बिना शरीर नहीं चलेगा वैसे फ्यूल के बिना आपकी आत्मा चलेगी क्या बीच में रुक जाएगी या चार गति में बस भ्रमण करती रहेगी तो ये जो स्वाध्याय है ये क्या है एक तरह से आपका फ्यूल है तो उसको कभी भी भूलना नहीं है तो हमने देखा कि शुभ योग का कारण है जब भी फ्री हो आज देखो ज्यादा दुनिया में डिप्रेशन कम हो रहा है बढ़ रहा है एंजाइटी स्ट्रेस इस सब का इलाज क्या है मेडिटेशन भी हो सकता है पर एक बड़ा इलाज जो है जो हर कोई कर सकता है क्योंकि मेडिटेशन में तो क्या है कोई व्यक्ति चाहिए पर इसमें कोई व्यक्ति चाहिए क्या नहीं चाहिए स्वाध्याय तो आप कभी भी कर सकते हो आपके पास आजकल तो मोबाइल की व्यवस्था है मोबाइल में देख देख करके भी आप स्वाध्याय कर सकते हो तो सबसे बड़ी बात है आप जब भी फ्री हो ये बहुत बड़ी दवाई है एक तरह से दवाई के रूप में हम इसको ले तो दो चीज़ तो हमने ये देखी तीसरी चीज जैसे जब कभी भी हमको समस्या आती है हम क्या करते हैं या तो जाप करते हैं तो जाप करते तो हमको कितना अच्छा लगता है ज्यादातर तेरा में अपने यहाँ पर कौन सा जाप किया जाता है जब कभी भी किसी को भी समस्या आती है चाहे बच्चा हो बड़ा हो ओम भिक्षु जय भिक्षु अब देखो ये जो मंत्र है ना ये तो शॉर्ट है इसका जो डिस्क्रिप्शन है ना वो क्या हो गया वो स्वाध्याय हो गया जो आप बड़ी बड़ी पार्टियां पढ़ते हो ना वो उसका डिस्क्रिप्शन हो गया एक तरह से तो वो भी अच्छा है और ये भी अच्छा है इसका भी अपना योग है उपयोग है आप देखो जितनी बड़ी बड़ी रचनाएं हुई वो समस्या के समय पर हुई और जब जब आई तब तब आचार्यों ने, ने एक ही चीज की और वो थी स्वाध्याय चाहे नेपाल में भी भूकंप आया था तो साधु संत फ्री नहीं बैठे थे साधु संतों ने क्या किया एकत्रित हुए एक जगह पर और क्या चालू कर दिया स्वाध्याय चालू कर दिया जाप भी किया और साथ में स्वाध्याय भी किया वैसे आप हाँ देखो बड़ी बड़ी ढाल बनी अपनी धर्म संघ में दो बड़ी ढाल है जो जयाचार्य ने बनाई और एक कौन सी है मुणिंद मोरा और दूसरी कौन सी है विघ्न हरण की ढाल ये दोनों ढाल जो बनी ये कब बनी जब विकट परिस्थिति आई और जब विकट परिस्थिति आए तब तो इसकी रचना की गई और इंस्टेंट उसको यूज किया गया उसका क्या किया गया स्वाध्याय सब साधु संतों ने मिलकर के स्वाध्याय किया और मैंने तो कितने लोगों को देखा है जब कभी जीवन में पारिवारिक समस्या आती है आर्थिक समस्या आती है तो वो आपस में डिस्कशन क्या करते हैं जैसे एक बड़ा उदाहरण है विले पार्ले तो विले पार्ले जो गोयल फैमिली है कई बार मुझे कहते हैं वो लोग कि महाराज जब कभी हमारी जीवन में समस्या आती है तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि भाई हमने कहीं कही ना कहीं धर्म ध्यान में कमी रख ली है और वो परिवार में एक जारी करते सूचना जारी करते हैं क्या सूचना जारी करते हैं कि अभी हमारे परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए सामायिक होना चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए स्वाध्याय होना चाहिए चाहे पुस्तक का स्वाध्याय हो चाहे रिवीजन हो जिस रूप में भी हो और उनका तो ये अनुभव रहा है कि जब कभी उन्होंने ये चीज़ क्रम वापस बरकरार चालू किया उनकी सारी आपदाएं खत्म हो गई तो स्वाध्याय जो है वो कहीं ना कहीं हमको विकट परिस्थिति में हेल्प करती है वैसी आप देखो भक्तामर मानतुंग आचार्य बीड़ियों में जकड़े हुए थे उस समय पर उन्होंने क्या किया रचना की और रचना करके क्या किया स्वाध्याय और वही स्वाध्याय आज भी हम करते हैं वैसे आप देखो दीर्घ तपस्विनी पन्ना जी उनके जीवन में भी बहुत संघर्ष आए बहुत कठिनाई आई जब जब समस्या आई तब तब उन्होंने क्या किया स्वाध्याय किया जाप किया ये सब चीजें की तो क्यों करना ये हमको समझ में आ गया अब बात यह है कि क्या करना चाहिए स्वाध्याय किस चीज का करना चाहिए तो जिस चीज से हमको पॉजिटिविटी की फीलिंग आए अगर आपको वो फीलिंग नहीं आ रही है मतलब आप मन से कर रहे नहीं हो या आपका उसका मन नहीं लग रहा तो जिस चीज में आपको पॉजिटिव फीलिंग आए देखो स्वाध्याय तो बहुत चीज का हो सकता है जो यंगस्टर्स हो सकते हैं वो रॉक म्यूजिक का स्वाध्याय कर सकते हैं, कोई और हो सकता है वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का कर सकता है कोई गानों का कर सकता है चाहे बॉलीवुड हो हॉलीवुड हो जो भी हो पर क्या इससे पॉजिटिविटी की भावना आती है विकार की भावना आती है विकार की भावना आती है तो आध्यात्म की विशेषता ये है कि आपको सकारात्मकता की ओर ले जाता है और इसीलिए हमको उसी चीजों की स्वाध्याय करनी चाहिए जो हमको पॉजिटिविटी की फीलिंग दे और दूसरी बात है कि जिस पर आपका विश्वास हो मैं आपको बोलूँ कुरान का स्वाध्याय करो करोगे बाइबल का करो करोगे क्यों क्योंकि हमारा उस पर विश्वास नहीं है श्रद्धा नहीं है तो जिस चीज़ पर श्रद्धा हो जिस चीज पर विश्वास हो उसी का क्या करना चाहिए स्वाध्याय तो हम तो किस पर विश्वास करते हैं बत्तीस आगम आगमों पर करते भक्तामर पर करते जो भी जाप करते तो जिस चीज पे विश्वास सबसे मूल चीज है बिना विश्वास स्वाध्याय नहीं हो सकता तो हमने ये देखा कि पहले तो क्यों करना चाहिए फिर क्या करना चाहिए अब क्या आता है कैसे कैसे स्वाध्याय करना चाहिए तो स्वाध्याय जो है एक तो उच्चारण शुद्धि यह विशेष बात कि उच्चारण सही होना चाहिए और आजकल माध्यम बहुत हो गए उच्चारण के लिए पुराने जमाने में तो क्या होता था कि कोई भी चीज का उच्चारण करना होता था तो व्यक्ति किसके पास जाता साधु संतों के पास आज हमने देखा कि कोरोना समय में कितने कितने लोगों ने इसकी क्लासे ली है जैसे भक्तामर लोगों को उच्चारण करने में बहुत दिक्कत आती है तो भक्तामर तो कितने कितने ज्ञानशाला में छोटे छोटे बच्चों ने सीखा बड़ों ने सीखा मतलब पचास पचास साठ साठ साल के लोगों ने सीखा ये कैसे हो पाया उन्होंने उच्चारण बराबर शुद्ध किया तो कितनी कितनी महिलाएं थी रेखा जी धाकड़ हो सीमा जी हो जो भी कितनी सारी है जो इस क्लास को अच्छे से अभियान के रूप में ले रहे हैं तो उच्चारण शुद्धि पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारा उच्चारण शुद्ध हो उच्चारण शुद्ध नहीं होगा तो कोडिंग गड़बड़ हो जाएगा कोडिंग गड़बड़ हो जाएगा तो वायरस आ जाएगा इसलिए उच्चारण शुद्धि जरूरी है और दूसरी बात है विल पावर आपका विल पावर मजबूत होना चाहिए लोग क्या बोलते हैं कभी भी स्वाध्याय करते हैं ना तो पहले तो सीखना पड़ता है एक एज के बाद व्यक्ति क्या सोचता है कि भाई माने तो ज्ञान चढ़े क्यों नहीं याद क्यों नहीं सबकी एक ही फरियाद हमको नहीं होता है याद और इसी कारण से पैदा होता है विवाद तो उसी पर करना चाहिए थोड़ा सा संवाद कि कैसे करें हम तो याद जो है हम सबसे मेन हमारा मनोबल मजबूत रहना चाहिए ये हमको नहीं बोल रहा मैं भूल जाती हूं मेरे को याद नहीं रहता है नेगेटिव सोचोगे तो सबकॉन्शियस माइंड में अवचेतन मन में क्या जाएगा नेगेटिव जाएगा तो आपकी क्षमता भी होगी तो भी आप कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे तो आप ये सोचो ये बोलो कि मैं कोशिश करती हूं मैं प्रयत्न करती हूँ और मैं इतना याद कर पाती हूँ तो उसको पॉजिटिव वे में लेने की कोशिश करो और पॉजिटिव सजेशन दो खुद को जितना पॉजिटिव सजेशन दोगे उतना वो चीज सक्सेसफुल होगी तो विल पावर रहना बहुत जरूरी है आपको एक ऐतिहासिक घटना में सुनाता हूं आचार्य वृद्धवादी जो बहुत बड़े विद्वान थे और उनकी जो आगे की श्रृंखला थी आगे के पट्टदर थे सिद्ध सेन और जितने भी वो भी उनसे भी महान बने तो उनके जो गुरु थे वृद्धवादी वो भी बहुत बड़े विद्वान थे उन्होंने सबसे बड़ी बात है कि ज्ञानार्जन उन्होंने कौन से समय पे किया छोटी एज में नहीं किया लोग बोलते ना छोटी एज में याद हो जाता है उन्होंने कौन सी एज में किया बड़ी एज पर ऐसा नहीं था उनको भी ज्ञान चढ़ता नहीं बड़ी एज में दीक्षा तो ले ली स्वाध्याय में बहुत रुचि थी याद करने में बहुत रुचि थी तो जो छोटे संत होते हैं ना उनका नियम होता है कि कभी भी जैसे हम भी थे जब छोटे थे तो मुझे याद है कि मुनिश्री और बड़े महाराज हमको एक ही बात कहते थे कि दीवाल के पास जाओ और मुंह इस करके क्या करो रटन करो जोर जोर से बोलो धीमे धीमे नहीं जोर जोर से जिससे हमको भी सुनाई पड़े कि भाई तुम सो तो नहीं गए जगे हुए तो हो ना तो क्योंकि क्या है स्वाध्याय करते करते कभी कर कभी नींद आ जाती थी क्योंकि वो काम तो पड़ता नहीं है लॉजिकली तो ठीक है अच्छा कर लेते हैं पर ये याद करना बड़ी कठिन चीज़ है तो जो आपको अनुभव था वो भी हमको ही अनुभव था सेम अनुभव है अपने बराबर के है ऐसा नहीं है पर फिर हमने थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया प्रैक्टिस करते गए करते गए तो होता गया हमारा तो काफ़ी अच्छा हमने स्वाध्याय करने की कोशिश की तो मेन बात है कि वो वृद्धवादी जो थे वो भी ऐसे ही कुछ करते थे वो दीवार के पास बैठ जाते और जोर जोर से रटन करते अब देखो उसका भी टाइम होता है रटन करने का भी अब मुनिश्री पोड़ा जोर जोर से रटन मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो मुनिश्री की कृपा है पर ओलंबा तो मिलेगा ही मिलेगा पर मूल बात है कि उसका भी एक समय होता है जब कोई सोया हुआ नहीं हो अब रात को मैं स्वाध्याय करने बैठ गया जोर जोर से विघ्नारण मंगलकरण अरे भाई अच्छे से भिक्षु को याद कर रहा हूँ वो बोले काय का अच्छे का से भिक्षु भाई हमको सपने में वही दिख रहा है सपने में देखो ना कोई मनाही थोड़ी है जोर जोर से बोलने की क्या जरूरत है वो भी वृद्धवादी जो थे वो रात को भी स्वाध्याय दिन में भी स्वाध्याय चौबीस घंटा एक ही रटन स्वाध्याय 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 अब क्या हो गया जो संत थे ना आसपास में वो बोले कि यार रोज का क्या हो गया रोज क्या इतना रटन लगाते रहते हो तुम बोले तुम लगाओ कोई दिक्कत नहीं है अमुक अमुक टाइम पे लगाओ जब कोई सोता है जब कोई कुछ कार्य में व्यस्त है उस समय पर तुम क्यों करते हो ये सब चीजें तो उनको कहा थोड़ा सा पर वो तो भी समझते उनका तो वो का वही तो एक संतों ने टोंट मार दिया अब टोंट भी मारना पड़ता कभी कभी अब कोई मारपीट तो हो नहीं सकती अपने अहिंसा हुआ दिया तो टोंट मारा क्या बोला कि जो मूसल होता है ना मूसल सूखी लकड़ी सूखी लकड़ी में कभी पुष्प आता है क्या कभी नहीं आता है तो बोले मुसल में कभी पुष्प नहीं आएगा मतलब तुम इतने वृद्ध हो गए हो ना तुम कितनी कोशिश करो तुम्हारी विद्या चढ़ेगी नहीं ये, लोकोक्ति है ये तो और सब लोग ये फील भी करते हैं तो अब ये क्या है उनको चैलेंज के रूप में उन्होंने ले लिया अच्छा तुम ऐसा बोलते हो देवी की आराधना की सरस्वती की आराधना की और ऐसे लीन हो गए ऐसे लीन हो गए बस 24 घंटा एक ही बात मंत्रोच्चारण मंत्रोच्चारण बस अभी दिखा करके कर रहूंगा कि मैं भी कुछ हूं मैं भी याद कर सकता हूँ देवी प्रकट हुई देवी प्रकट हुई और बोले क्या चाहिए बोले आप जो दो बोले सर्व सिद्धो भव। मतलब तुमको सारी सिद्धि प्राप्त हो तो जो इच्छा है वो सिद्धि मिल गई अब उनको तो क्या इच्छा थी याद करने की एक तो याद करने की और एक क्या था मुसल में पुष्प का वो गए चौराहे के बीच में और मुसल में क्या होगा करके दिखा सबको बुलाया और बोले देखो मुसलमान क्या उग रहा है तो यही बात थी और उनको आगे जाकर के इतने बड़े विद्वान बने विद्वान बनकर के आचार्य बन, बन गए और उन्होंने ही आगे से आगे श्रृंखला लाते गए लाते गए तो मूल बात है कि आपका विल पावर मजबूत होना चाहिए विल पावर नहीं है तो कुछ भी नहीं है वैसे आप देखो मगन जी स्वामी मगन जी स्वामी कौन है मंत्री मुनिश्री मगन लाल जी स्वामी एक एज हो गई एटी आसपास आ गए उस समय पर आचाषी तुलसी ने उनको प्रेरणा दी क्या प्रेरणा दी कि उत्तराध्यान जो आगम है जो आपने बचपन में याद किया था वो भी भूल गए 82 में तो कौन किसको याद रहता है तो बोली उत्तराध्यन जो है ना ये वापस आपको क्या करना है याद करना है बुस गुरु ने बोला वैसे तो आचायषी तुलसी वैसे गुरु है पर वैसे तो उनसे काफी छोटे थे पर उन्होंने एक दिमाग में ठान लिया भाई गुरु ने बोला है तो मैं करके और 82 की एज में उन्होंने उत्तराधीन वापस क्या की भूल गए थे पूरी की पूरी भूल गए थे विस्मृति हो गई थी पर वो 82 की एज में क्या किया उन्होंने याद किया तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि हमारा विल पावर मजबूत होना चाहिए और आज हमने जानने की कोशिश की कि स्वाध्याय क्यों क्या और कैसे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करने की कोशिश करना अब हम मुनिष्ठी को भी सुनना चाहेंगे अब आप एक चीज देख रहे हो मुनिश्री के अंदर कुछ चेंज है क्या चेंज है लोच अब हम सब बराबर हो गए पहले मुनिश्री थोड़ा आगे थे अब सब क्या हो गए बराबर हो गए सबके लोच हो गए तो आप सब लोग पूछ सकते मुनिश्री को हाथ जोड़ अरज करो आपके सुख आता है तो अब मुनिश्री को मेरा विनम्र निवेदन अपनी वाणी से लाभान्वित करें प्रसन्नात्मा भीष नय नवतार न्योतिपुज युग प्रधान गुरुदेव के चरणों में भावभरा वंदन बहुशुद्ध परिषद संयोजक मुनिवर के चरणों में सविनय वंदन ऊर्जा उत्साह उमंग के साथ उपस्थित सभी धर्म श्रोता आज का एक विशेष अवसर जिसे हम स्वाध्याय दिवस के रूप में मना रहे हैं हमने अभी संतुल सुना क्यों क्या कैसे हमें स्वाध्याय करना है विभिन्न दृष्टांत और उदाहरणों के माध्यम से उसे पूर्व हमें हमने सिद्ध मुनि से सुना सम्यक्त्व के बारे में ये दो विषय हैं सम्यक्त्व और स्वाध्याय इन दोनों को जोड़ते हुए आज हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं कल रात्रि में एक बहन ने प्रश्न पूछा इन विशिष्ट और बदलते हुए परिवेश में हम अपने सम्यक्त्व को सुरक्षित कैसे रखें तो इस विषय पर हम कुछ चर्चा आज करने जा रहे हैं कि हम सम्यक्त्व की सुरक्षा कैसे करें सर्वप्रथम सम्यक्त्व क्या सम्यक्त्व है जैन धर्म का प्रथम सोपान सम्यक्त्व नहीं तो आराधना का बड़ा मीनिंग नहीं रह पाता है जो भी व्यक्ति मोक्ष जाना चाहता है आप में से कौन कौन मोक्ष जाना चाहता है अच्छा मोक्ष का रिजर्वेशन कितने लोगों ने करवा दिया सकते है या नहीं यहां से अभी सीधी एंट्री नहीं है पर रिजर्वेशन काउंटर खुल चुका है आपको रिजर्वेशन टिकट चाहिए नहीं चाहिए तो मोक्ष का रिजर्वेशन टिकट है सम्यक्त जिसको सम्यक्त मुल्क मिल गया उसका मोक्ष का रिजर्वेशन फाइनल तो आप जैसे भव्य जीवों का के द्वारा मोक्ष में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है और इस परीक्षण में यह टिकट निकल चुका है और बहुत सारे लोग उसे ले रहे हैं बहुत सारे लोगों का रिजर्वेशन टिकट लिया हुआ है पर समय पर जब उसका चार्ट बन रहा है उस समय अगर आपने उसको ले लिया वापस रिटर्न ले लिया तो वो कट जाएगा तो इंपॉर्टेंट रिजर्वेशन करना और रिजर्वेशन आरक्षण को सुरक्षित रखना आरक्षित करना उसे सुरक्षित रखना। ये दोनों महत्वपूर्ण। तो पहले का आरक्षित हमें करना है सम्यक्त को प्राप्त करना है दूसरा से सुरक्षित रखना है उसे बरकरार रखना है बनाए रखना है वो बड़ा महत्वपूर्ण है आचार्य भिक्षु ने पूरी पूरी रात बिताई एक श्रावक को सम्यक्टी बनाने के लिए उसके दृष्टिकोण को क्लियर करने के लिए क्या सही क्या सही नहीं ये क्लियर होना बहुत जरूरी हम कितना जीवन में जिए बहुत जरूरी नहीं है और सही क्या है ये जाने ये बहुत जरूरी जब तक तो जानेंगे नहीं जीना बहुत बुलंद नहीं होगा जीना सही डायरेक्शन में नहीं होगा डायरेक्शन सही नहीं तो डेस्टिनेशन कभी मिलनी भी नहीं तो ये डायरेक्शन और डेस्टिनेशन के लिए जरूरी है डिटर्मिनेशन हमारा डिटर्मिनेशन हो हमारी निष्ठा हो स्वयं पर स्वयं की संघ पर संगपति पर उसके लिए एक त्रिसूत्रीय फॉर्मूला है ल ग न जब तक लगन नहीं मुक्ति नहीं ये लगन फॉर्मूले पर हम बात कर रहे हैं ये त्री सूत्रीय फॉर्मूला है फॉर लक्ष्य हमारे लक्ष्य की स्पष्टता हो व्हाट इज पर्पस ऑफ लाइफ स्पिरिचुअल दृष्टि से मोक्ष जाना मुक्त होना आत्मस्वरूप को पाना यह मेरा लक्ष्य है इसकी स्पष्टता नितांत आवश्यक है ल फॉर लक्ष्य दूसरा है ग फॉर गुरु उसके लिए गुरु की बहुत बड़ी जरूरत है आज बहुत से लोग हमें यात्राओं में मिलते हैं जो अजीन हैं और इतने ज्ञानी हैं इतने समृद्ध हैं अपने उस प्रोफेशन में बहुत डिसिप्लिन है पर वो प्रश्न पूछते हैं कि हमें दिशा देने वाला कोई नहीं है हमारे सामने वो बाउंड्रीज और मार्ग क्लियर नहीं है हम जाना चाहते हैं हम भी मुक्त होना चाहते हैं उनकी मुक्ति की परिभाषाएं अलग तरह की हो सकती है पर वो भी एक सही जीवन जानना चाहते हैं जीना जानते हैं जीना चाहते भी हैं दिशा देने वाला नहीं मिलता है हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे पावन गुरु मिले हैं तो सेकंड पॉइंट है 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 गुरु पहला है लक्ष। दूसरा है गुरु पहला दूसरा और तीसरा है न न, न फॉर निष्ठा उसके प्रति वो डिवोशन वो डेडिकेशन वो समर्पण जब तक तो गुरु के प्रति अपना वो समर्पण लक्ष्य के प्रति समर्पण और स्वयं के ऊपर वो समर्पण न हो हम किसी भी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो अध्यात्म की दिशा में जाना है चाहे व्यापार या व्यवहार में आगे बढ़ना है चाहे परिवार के सशक्तिकरण का विषय हो चाहे समाज में प्रबुद्धता लाने की बात हो हर जीवन के लक्ष्य के लिए ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है ल ग और न ल फॉर लक्ष्य ल फॉर लक्ष्य ग फॉर गुरु और, लक्ष। लफ और, लक्ष। लफ और, लक्ष। और, और न फॉर निष्ठा इसको हम इंग्लिश में कहें तो तीन शब्दों में लक्ष्य यानी हमारा डेस्टिनेशन गुरु यानी हमारा डायरेक्शन और निष्ठा यानी हमारा डिटर्मिनेशन जब ये तीन डी आ जाएंगे तो कोई भी कार्य हो धर्म हो उसको हम जीवन में धारण कर पाएंगे और असाधारण बन पाएंगे हमें प्रयास करना है जब भी हम कोई समस्या में उलझ जाए जैसा बहन ने पूछा हमारे खुशबू जी ने प्रश्न किया कि ऐसी परिस्थितियों में ऐसे परिवेश में सम्यक् को सुरक्षित कैसे रखे तो याद रखें कि मेरा लक्ष्य क्या है जब भी मैं इधर उधर उलझ गया हूँ जगह जगह मैं घूम रहा हूँ और मैं भटक गया हूँ मार्ग से तो याद करूं मैं कि मेरा लक्ष्य क्या था अरे मेरा लक्ष्य तो मुक्ति है ये छोटी मोटी चीजें नहीं है मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है ये छोटी मोटी जो आपदाएं रास्ते में आ रही हैं हर बड़े लक्ष्य के बीच में छोटी मोटी आपदाएं आनी कॉमन है अगर आपदा आ रही है मतलब मैं संपदा को प्राप्त करने वाला मैं सही लक्ष्य में जा रहा हूं इसलिए स्थिति आ रही है और सब कुछ सरल चले सब कुछ सहज मिलने लग जाए इसका मतलब शायद मैं सही ट्रैक पर हूं ही नहीं इसलिए मैं खुशी से आनंद से ऐसे ही बैठा हूं तो लक्ष्य को हम याद करते रहे जब भी परिवार में कोई प्रॉब्लम आए चाहे बिजनेस में प्रॉब्लम आए चाहे व्यवहार में परेशानी आए चाहे शरीर में कठिनाई आए याद करें कि शायद मैं अपने लक्ष्य को भूल रहा हूं दूसरा है लक्ष्य तो मैं समझ चुका हूं पर मेरे पास शायद योग्य गुरु नहीं है हेल्थ के मेंटर अलग होंगे डिजिटल मेंटर अलग होंगे परिवार के मेंटर अलग हो सकते हैं मेंटर जो भी हो पर उसका गुरु उसका मैप चाहिए और गुरु हमेशा व्यक्ति होना जरूरी नहीं है आचार्य भिक्षु के लिए गुरु कौन थे जब उन्होंने क्रांति की भ्रांतियों को मिटाया क्रांति की जब वो तेरापन धर्म संघ की स्थापना हो रही थी जब उन्होंने भाव दीक्षा ली उससे में इनके गुरु कौन थे आगम तो हमेशा वो व्यक्ति होना जरूरी नहीं है हमारे गुरु शास्त्र भी हो सकते हैं आगम भी हो सकते हैं आप पेरेंटिंग कर रहे हैं पेरेंटिंग की बुक भी आपकी गाइड हो सकती है कोई वीडियो भी हो सकता है कोई एक परिवार का एक आईकॉन भी हो सकता है देखो ये परिवार का सब मेरे लिए आइडियल है यह भी हो सकता है पर कोई ना कोई गाइडिंग लाइट होनी जरूरी है और तीसरी है निष्ठा निष्ठा उस लक्ष्य के प्रति निष्ठा स्वयं के प्रति यस मैं पहुंच सकता हूं कहते हैं कई बार आदमी बहुत आगे जाता है और आगे जाते हुए कई बार बहुत आगे मंजिल के बहुत नजदीक होता है पर उसका विश्वास डोल जाता है उसे लगता है पता नहीं मैंने इतना धर्म किया इतनी सवयिक की इतने उपवास किए इतना धर्म संघ को सेवा दी पर देखो देखो मेरे वहां इनकम टैक्स की रेट लग गई ये देखो मेरे वहां जीएसटी वाले आ गए ये देखो मेरे वहां ये नौटंकी कर रहा है मेरे वहां इसने ऐसा हो गया इसको देखो कैंसर हो गया हमारे परिवार में इतना धार्मिक परिवार ये धर्म ने मुझे क्या दिया बहुत कुछ करते हुए एंड में यदि उसने अपनी करनी पर पछतावा कर लिया तो क्या होगा कि जितना उसने किया है वो सब पानी में चला जाए तो याद रखना धर्म हम कितना करें उससे इंपॉर्टेंट धर्म पर कभी पछतावा कभी करे ना सोचे कि जो धर्म किया वो क्या काम का यह जाने क्या काम का हो सकता है कैसे करूं कब होगा ये सब कुछ ठीक है पर धर्म के प्रति जिज्ञासा रहे पर कभी शंका के बादल ना छाए कभी हमें पछतावा ना हो हमारी करनी पर अगर हमने पछतावा कर लिया तो किए कराए पर पानी फिर गया जैसे आपने एग्जाम सीए की दे रहे थे सारे आंसर्स गलत तो नहीं पर आपके क्रॉस लग चुके हैं और बाद में आपने जितने आंसर लिखे थे, वो सब गलत थे। अब आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा आपने रिजल्ट बोला देखो पहले वाले पन्ने पढ़ो अरे कागज पेन लग गए तो क्या हुआ लिखा तो सही था भाई वो बोले भाई वहां क्रॉस लग चुका है वो हम देखते ही नहीं वो गिनती भी नहीं तुम सब कुछ कर दिया और आगे जाके चौकड़ी लगा दी तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा तो किए कराए पर पानी फेरोगे क्या तो नाज हमें याद रखना है कभी किए पराए पर पानी नहीं फेरना है उसके लिए चाहिए निष्ठा एक कवित्व में एक सुंदर दो पंक्तियों में इस बात को कहा किस्ती डूबी इसका न हमें गम था किस्ती डूबी इसका ना हमें गम था गम इस बात का था जहां डूबी वहां पानी कम था मतलब बहुत ज्यादा हम पार कर चुके थे बस किनारे पहुंचने वाले थे और वही हमने आशा को छोड़ दिया जरूरी है शंका का निवारण आपके मन में एक श्रावक के मन में भी क्या साधु के मन में भी शंका आ सकती प्रश्न उठ सकते हैं जिज्ञासा हो सकती है ऐसा लग सकता है कि मैंने किया सही है या नहीं है ऐसा भी द्वंद्व छा सकता है पर ऐसे समय में अपने गुरु संत आलंबन का प्रयोग करी वो हमें तरने में सहयोगी बनेगा हम स्विमिंग करते करते थक गए हैं एक आइलैंड ले लीजिए वो आइलैंड कौन है हमारे गुरु है गुरु हमारी निष्ठा है गुरु हमारी प्रतिष्ठा है गुरु शरण का द्वीप है गुरु तारण हार है गुरु माता गुरुवर पिता गुरु जीवन आधार वो गुरु वो जीवन के आधार वहां उनका संबल ले लो रुक जाओ कोई बात नहीं है उनका आश्रय लो उनसे शंकाएं रखो अपने कि मैं ये देखता हूं समाज में ये हो रहा है क्या सही है क्या नहीं है कोई बात नहीं हजार कंप्लेन ले जाओ कोई बात नहीं है पर निर्णय मत लो निर्णय लेकर अगर आपने क्रॉस लगा दिया अपने अध्यात्म पर तो सब कुछ पानी में फिर जाएगा जरूरी है वह निष्ठा के लिए जिज्ञासाओं को समय पर रखना आगम में उदाहरण दिया गया मुर्गी को अंडा हो रहा है एक अंडे को अब 21 दिन का समय लगता है बाहर निकलने में उसके बीच में वो जाता है और हिला के देखता है कैसे इसमें बच्चा है कि नहीं फिर अगले दिन जाके देखता है है कि नहीं ये भाई इंतजार करू नहीं तो नहीं करूं भाई रोज हिला हिला के देखता है कितने दिन में वो जन्म लेगा बताओ इक्कीस दिन या सात दिन में या बयालीस दिन में वो कभी नहीं लेगा वैसे ही आपका बच्चा आप कल्पना कीजिए आपका बच्चा दो साल का बच्चा है सो रहा है आपके मन में चिंता बहुत है इसको नींद आई कि नहीं आप आधे घंटे से पूछते बेटा नींद आ गई क्या नहीं नहीं मम्मी थोड़ी थोड़ी आ रही थी पर अभी आई नहीं है बोरी अच्छा ठीक है फिर आधा घंटा होता है अरे बेटा नींद आ गई क्या नहीं मम्मी बस वो आने ही वाली है बस अच्छा कोई बात मैं बहुत जागरूक हूँ मेरे अंदर बहुत ममता है मैं बहुत ध्यान रखती हूँ ऐसा सोच के माँ कर रही हर आधे घंटे से पूछती अब सोचती कि दो बज गई अभी तक नहीं आई अब पंद्रह पंद्रह मिनट से पूछती बेटा नींद आई कि नहीं <laughs> नहीं मम्मी अभी तक तो नहीं आई कार्टून आ रहे हैं पर नींद नहीं आ रही अच्छा आप बताइए कि उस बच्चे को नींद जल्दी आएगी कि लेट आएगी तो मां की ममता में कमी है क्या ममता में कमी है क्या बताओ मां में ममता नहीं है उसकी इच्छा नहीं है उसकी इच्छा कितनी है देखो बच्चे को नींद आ जाए आ जाए आ जाए कितना ज्यादा है वैसे ही हमारी इच्छा बहुत है हमारी ममता हमारे बच्चा हमारा बच्चा मतलब हमारी आत्मा है अंदर की वो चेतना है उसको हम जगाने के लिए धर्म कर रहे फिर तो पूछते अरे धर्म हुआ कि नहीं अरे कुछ मिला कि नहीं तेरे को अरे नहीं मिला अभी तक अरे धर्म चलो ये बदलते यहाँ जाते हैं चलो आज गुरुद्वारा चलते हैं अरे शांति मिली क्या अरे नहीं, नहीं 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 चलो आज नमाज पढ़ेंगे नमाज अल्लाह अल्लाह अरे अभी तक नहीं मिला ला इला इनशाला नहीं मिला चलो वहां चलते अरे आज भैया वहाँ श्रेढ़ी में बाल निकाल के मैंने नहीं निकाला मैंने यही निकाला आज बाल निकाल के आते हैं वहां सब बाप धुल जाएंगे अरे वहां भी नहीं हुआ अभी तक मेरा अरे वो काम पूरा नहीं हुआ चलो आज गंगा में डुबकी लगा देते अब तो हो गया वो बहुत सोच रहा है बहुत खोज कर रहा है आज के जो यंगस्टर्स हैं यंग का आजकल यही ढंग है एक मां कल बता रही थी कि मेरी बच्ची है वो कभी इसका देखती है कभी उसका देखती है कभी इसका देखती है देखती है ये धर्म अच्छा है ये मलयालम वाला अच्छा है नहीं ये तमिल वाला ज्यादा ठीक नहीं 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 वहां चाइना में जो चल रहा है ना वो बढ़िया वाला दादा वो बुद्धिज्म वाला अच्छा है नहीं वो सदगुरु अच्छे हैं नहीं वो वो गुरु अच्छे हैं वो है वो सोच में पड़ा है उसे पता नहीं चल रहा है वो गुमराह है क्यों लक्ष्य तो क्लियर है कि मुझे जाना है मंजिल पर।, पर गुरु नहीं हमें सौभाग्य के हमें ऐसे गुरु मिले हैं तो हमें ऐसा स्वाध्याय का एक क्रम बनाना है तीन मिनट का स्वाध्याय पांच मिनट का ऐसा स्वाध्याय जो हमारी देव गुरु धर्म की प्रति श्रद्धा को दृढ़ बनाए अपने लक्ष्य को स्पष्ट बनाए अपने आप की निष्ठा को बलवती बनाए उसके लिए हम एक छोटा सा प्रयोग करने जा रहे हैं अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे गर्दन और कमर को सीधा रखेंगे शरीर स्थिर और मन शांत करते हुए लंबा गहरा श्वास लेंगे धीमे धीमे छोड़ेंगे प्रत्येक श्वास के साथ गहरी एकाग्रता गहरी तन्मयता के साथ इन भावों के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगी अरहंतो महदेव जाव जीवम सुसाह गुरुणो जिन पन्न तत्तम इम सम्मे गम ये एक पाठ मन में भाव करे बंद आंखों से देखें अरहंत मेरे देव हैं शुद्ध साधु पूज्य गुरुदेव मेरे गुरु हैं यम सम्मतम वही गहयम जिन पन्नतम तत्तम तीर्थंकर भगवान द्वारा बताया गया धर्म मेरा धर्म है मेरा मार्ग है प्रभु के प्रति श्रद्धा को और बलवती बनाने के लिए इनमीव निगंथम पावयणम सच्चम इनमीव निगंथम पावणम सच्चम इनमीव निग्रंथम पावयणम सचम तीर्थंकर प्रभु के द्वारा कहा गई वाणी निर्ग्रंथ वाणी सत्य है शाश्वत है नित्य है परम सत्य की ओर ले जाने वाली है सच्चम लोयम विसार भूयम सच्चम लोयम विसार भूयम सत्यं लोयं विसार भूयम् सत्य ही लोक में सारभूत है सत्य ही लोक में सारभूत है सत्य ही लोक में सारभूत है सचम भैवम सचम भैवम सचम भैवम सत्य ही भगवान है इसमें तीन सूत्रों में कहा गया कि प्रभु की वाणी शाश्वत सत्य है सत्य ही लोक में सारभूत है और सत्य ही भगवान है तो प्रभु की वाणी जो सत्य है उस पर मेरी गहरी आस्था निरंतर प्रवर्धमान हो मेरी गहरी आस्था निरंतर प्रवर्धमान हो ये भावना अपने हृदय में करे अपने भीतर में करे साथ में सम्यक्व की सुरक्षा के लिए जरूरी है उत्तम क्षमा का प्रयोग खामी सव्व में, में सब जीवे जीवा वेरम सवेशन के नई प्रयोग करी भावना करी प्रतिदिन रात्रि शयन से पूर्व और सुबह उठते ही खामी में सब जीवे सब जीवो को क्षमा करता हूँ सब जीव मुझे भी क्षमा करे सब जीवों से यह मैत्री का प्रयोग रहे किसी के प्रति वैर नहीं जब जीवन में कोई परेशानी न यह उसने मुझसे वैर लिया है मेरा मेरा विरोधी है वो मेरा शत्रु है बल्कि यह भाव रखे जो भी दुख प्रतिकूलता समस्या आ रही है उसका कारण कहीं ना कहीं मैं स्वयं हूँ अपाकता विकता ये ये अपा मित्तम, मित्तम चा तो प्रयास करे अपने अंदर फीलिंग करे भावना करे कि जो करता और विकर्ता मैं स्वयं हूँ अच्छी करनी ही मेरा मित्र है और बुरी करनी ही मेरा शत्रु है शत्रु और कहीं नहीं सबके प्रति एक वो मैत्री का भाव किसी के प्रति कंप्लेन नहीं है किसी को एक्सप्लेन नहीं है बस मुझे आत्मा को एक्सेल करना है परम आनंद की ओर ले जाना है यह भावना एक पावन भावना प्रतिदिन अपने प्रति करने का प्रयोग करे और अंत में शरण सूत्र का प्रयोग करे चतारी पव जामी अरहंते शरण पव सिद्धे शरणम गवजामि साहू शरण केवलिपन्नत धम्म शरण भवजामि इस प्रकार से चत्तारी शरण के द्वारा अपनी आस्था को और ज्यादा सुदृढ़ और निश्चिंत करते जाएं अपने आप को सुनिश्चित कदम की ओर बढ़ते जाएँ ये प्रयोग हम अर्हत वंदना को यदि करें तो सहज रूप में हम मैक्सिमम सूत्रों को अपने जीवन में ला सकते हैं और अर्हत वंदना के माध्यम से अर्हत प्रभु और अपने लक्ष्य के प्रति सुनिश्चित करते हुए अपने सम्यक्तों को हम संपुष्ट करते रहे तो आज के लिए सुझाव के रूप में अर्हत वंदना का भावपूर्ण स्वाध्याय स्वाध्याय दिवस पर अवश्य सभी करें मंगल भावना मंगल प्रेरणा ओम अरहम मुनिश्री जम्बू स्वामी रहे तब तो अपने स्थान पर खड़ी होते हुए वंदी मुनिवरम हुई मुनिवरमी बनते जन जन की आस्था के आराधक अध्यात्म जगत के उज्ज्वल नक्षत्र आचार्य श्री महाश्मण जी को मेरा शशत वंदन अत्र विराजित आगम मुनिश्री मुनि महेंद्र कुमार जी स्वामी सहवर्त सभी चारित्र आत्माओं के चरणों मेरा भाव भरा वंदन मैं आज कोई विशेष भाषण देने के लिए उपस्थित नहीं हुआ हूँ कुछ जानकारी आपको देना है मेरे को अपना पोजिशन पर चल रहा है आध्यात्मिक आराधना करना है तब जब और संयम के मार्ग की ओर अपनी आत्मा को ले जाना है अपना लक्ष्य है वितरागता को प्राप्त करना और अपने आत्माओं को पवित्र और निर्मल बनाना अपनी आत्मा के नजदीक रहने का पर्व यह चौहान श्री महापर्व जैन धर्म का सबसे उत्कृष्ट त्यौहार कहते हो या अपने जीवन की साधना का सर्वोत्तम क्षण ये सात दिवस जो है वो अपने को इसमें लगाना है मैं आपसे विशेष आह्वान करता हूँ कि आप अपने आप को संयम के मार्ग की ओर प्रशस्त करें आप इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं मुझे इतना ही कहना है कि इस त्यौहार को अपने जीवन में सबसे बड़ी प्रधानता तप संयम और स्वाध्याय के माध्यम से आज स्वाध्याय दिवस है स्वाध्याय का भी बहनों ने गीत गाया है उसमें एक ही बात उन्होंने बताई है कि स्वाध्याय से क्या प्राप्त होता है अपना अज्ञान दूर होता है और मानव का सबसे बड़ा शत्रु ही अज्ञान है जब तक अपने में ज्ञान चेतना का विकास नहीं होगा अपनी आत्मा निर्मल और पवित्र कैसे बनेगी अभी मनुष्य ने भी बताया आपको समय की सुरक्षा कैसे करना चाहिए ये सब चीज़ें ज़्यादा बोलने का समय नहीं है आ, मैं आपको चातुर्मास की थोड़ी जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ तैयारियाँ बहुत जोर शोर से चल रही है काफ़ी हमने डिसीजंस फाइनल कर दिए हैं अभी आ, कल भी रात को हम वहाँ मीटिंग करके आए बहुत ही अच्छे ढंग से सब तैयारियाँ चल रही है और मैं जानकारी लिए बता देता हूँ कि जो अपने एम ई पी कंसल्टेंट जो हैं और ये सब बातें भी बोलने का समय नहीं पाजी लेकिन अभी क्या जानकारी के साथ बोल रहा हूँ कि अब सबको हमको मिल कर के चातुर्मास की तैयारियां करनी है और एक हमने ऐप बनाया है वो ऐप अभी आपको महेश जी इसके बारे में बताएंगे अपने बहुत ही कर्मठ महामंत्री हैं महेश जी बाफना और वो ऐप में हमने आप सबसे विनम्र निवेदन किया है आप किस तरह की सेवा के साथ समाज के साथ जुड़ना चाहते हैं चातुर्मास के साथ जुड़ना चाहते हैं उसका पूरा विवरण उसमें है वो फॉर्म ऐप आप भर करके वापिस अपने को डाउनलोड करके उसको ऐप को अप, अपने उसमें इंफॉर्मेशन भर के अपने को ऐप में अपने क्या बोलते हैं फॉर्म भा, सबमिट करना है ताकि और मूल बात है कि आप समय का विसर्जन कितना कर सकते हैं वही इसमें आगे है क्योंकि समय बहुत इम्पोर्टेंट है सेवा देना सरल नहीं है क्योंकि यहाँ से चातुर्मास का स्थल काफ़ी दूर है तो मेरी विनम्र है उसको भरें और अपनी जो सेवा दे सकते हैं समय दे सकते हैं समय का विसर्जन बहुत जरूरी है पैसे का लक्ष्य तो हमारा अभी चल रहा है हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन समय के साथ समय बहुत कीमती है आप लोगों का तो जितना समय आप दे सकें ईमानदारी से घंटा दो घंटा दिन पाँच दिन दस दिन और पूरा समय देने वाले है उसमें अपना नाम पता भर करके उसमें लिखें और आपकी किस सेवा में रुचि है किस तरह की आप सेवा दे सकते हैं वो उसमें लिखें ताकि हमको सही व्यक्तियों का चुनाव किया जा सके ऐसी प्रार्थना है ओम आरम अब के के बारे में जानकारी देंगे अभुदय के आदित्य पूज्य प्रवर के सुपावन चरणों में कोटि संबंधन वंदन यहाँ विराजित बहुसुत परिषद के संयोजक डॉक्टर श्री मुनि श्री महेंद्र कुमार जी एवं सहव्रती मुनिवर के चरणों में वंदन आचार्य श्री महाश्रमण चातुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष श्रीमान मदन लाल साहब तातेड़ के साथ पूरा चैंबुर एवं आसपास का श्रावक समाज सादर जी जिस तरह अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हमें हर कार्यकर्ताओं को जोड़ना है अध्यक्ष महोदय का चिंतन है कि मुंबई के बत्तीस हजार जो हम एक जनगणना के रूप में हमारे पास में आंकड़ा आया है वह एक विशाल आंकड़ा है और उसमें से कौन सी प्रतिभा कहाँ है हम खोज नहीं कर सकते हैं पर एक गूगल फॉर्म के माध्यम से हमने यह खोज करने का प्रयास किया है कि कौन सा व्यक्ति क्या कार्य कर सकता है वह स्वयं के आंकलन के साथ में कि मैं पूज्य प्रवर के चातुर्माश व्यवस्था में इस सेवा से मैं जुड़ सकता हूं वह अपने आप को स्थापित करें कि मैं मैं रास्ते की सेवा में कार्य कर सकता हूं मैं चौका सत्कार में कार्य कर सकता हूं मैं मेडिकल क्षेत्र में, में कार्य कर सकता हूं या मैं वहां की विद्युत के निरीक्षण में कार्य कर सकता हूं जल निरीक्षण में कार्य कर सकता हूं आगंतुक की सेवा में कार्य कर सकता हूँ जिसी भी तरह आपकी रुचि है मुंबई श्रावक समाज की हर कार्यकर्ता की जिसमें रुचि है श्रावक श्राविका की जिस कार्य में रुचि है उस कार्य को आप हम एक गूगल फॉर्म आज ग्यारह बजकर दस मिनट में मुनिश्री के सानिध्य में यहाँ से लॉन्च करेंगे उसमें आप अतिशीघ्र उस गूगल फॉर्म को मैं अपना नाम और पूरा आप किस कार्य की में आप विश्वास कर सकते हैं उसमें आपकी एक्सपर्टीज है जिसमें आपकी कुशलता है वह कार्य आप उसमें चयन करें उसके साथ उसमें कोई हमारा से कार्य छूट गया है और आप वो कार्य करना चाहते हैं तो भी हमने अन्य में एक कॉलम दिया है उसमें आप अन्य में वह कॉलम में आप उस कार्य का नाम और उस कार्य के साथ आप जुड़ सकते हैं उसके अलावा आपके कोई सजेशन है चातुर्माश को सफल बनाने में तो भी हमने उसमें एक कॉलम दिया है उसमें आपके सजेशन लिख सकते हैं और वही वही डाटा हम संग्रहण करेंगे उस डाटा के माध्यम से हम लोकल युवक परिषद और लोकल सभा महिला मंडल के पास वो डाटा एकत्रित करके भेजेंगे उसमें से वहाँ की महिला मंडल लोकल स्तर पर और वहाँ के युवक परिषद लोकल स्तर पर उसका चयन कर कर समय समय पर जब भी प्रवास व्यवस्था समिति को कार्यकर्ता की जरूरत होगी उनमें से वह कार्यकर्ता वहाँ भेजने का प्रयास करेंगे तो मैं आप सबसे नम्र निवेदन करता हूँ कि यह फॉर्म जो आज ग्यारह बजकर दस मिनट से यहाँ से लॉन्च होगा उस फॉर्म में आप अपनी सहभागिता दर्ज करावें इसी के साथ में ओम हरम मुनिश्री के प्रति समय प्रदान कराने के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ लज्जादया सञ्जमबम्बचेरं कल्लानभागे भागे सविसोहि गुरु शयमनुषा सयन्ति तेऽहं गुरु ते हम गुरु सं आराध्य देव के चरणों में भक्ति भरा वंदन परम पावन परम आराध्य परम पूज्य युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सविनय वंदना आदरास्पद बहुश्रुत परिषद संयोजक प्रोफेसर मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी के चरणों में वंदन मुनि अभिजीत कुमार जी जागृत कुमार जी धर्म प्रेमी बंधुओं एवं बहनों परवादिराज हमारे सामने सम्मुख है परिषण की आराधना में हम संलग्न है आज दूसरा दिवस स्वाध्याय दिवस के रूप में हम मना रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि तेरा पंथ का इतिहास हमारे स्वाध्याय का एक अभिन्न अंग बने क्योंकि इसके माध्यम से हम तेरापंथ के दर्शन को तेरापंथ के रीति नीति को अच्छी तरह से जान सकते हैं और समझ सकते हैं इसलिए तेरापंथ के इतिहास का अध्ययन बहुत जरूरी है तेरापंथ का इतिहास अनेक खंडों में विभाजित है प्रथम खंड में प्रथम चार आचार्यों का द्वितीय खंड में अग्रिम चार आचार्यों का तृतीय खंड में कार्य जारी है आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ के इतिहास को लिखने का कार्य जारी है और चौथे खंड में तेरा पंथ के विशिष्ट साधु सादू, साधुओं का पांचवें खंड में विशिष्ट साधियों का और ये तेरा पंथ चार तीर्थ है ऐसा नहीं कि केवल दो ही है साधु और साध्वी ऐसा नहीं है जब आचार्य भिक्षु से कहा गया कि आपका ये तीर्थ तो केवल साधु साधु है खंडित है। तब आचार्य भिक्षु ने कहा भले खंडित भले ही हो है चौगुना लेकिन आज तो यह जो तीर्थ है चारों समुदायों से युक्त है तो जो छठा खंड है वह तेरा पंथ के विशिष्ट श्रावकों का है जिन्होंने अपना बलिदान दिया है और सातवां खंड है जो श्राविकाओं का है जिन्होंने इस तेरा पंथ की नींव को और सुदृढ़ करने में अपना योग भूत प्रदान किया है तो ये तेरा पंथ का इतिहास सात खंडों में विभाजित है हम ऐसे दीपानंदन के प्रति श्रद्धा अर्पण करना चाहेंगे गीत के स्वर के माध्यम से तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप सब इस स्वाध्याय के साथ जुड़ेंगे तो इसलिए गीत के स्वर को मुखरित करते हैं <स्थाथ> जय हे जय दीपानंदन जय हे जय दीपा जय न जगत के दिव्य सितारे तब में वंदन जय हे जय दीपानंदन जय हे जय बल्लू कुल के राज दुलारे तुम ही तारण बल्लू कुल के राज तुम ही तारन दशो दिशा में गूंज रहे जय भिक्षु के नारे जय भी तप संयम की पेनी छेनी से अग बंधन जय हे जय दीपानंदन जय हे जय जैन जगत के दिव्य सितारे तव चरणों में वंदन जय हे जय दीपानंदन जय संस्कृति के संरक्षक आत्मतत्व के वेता समन संस्कृति के संरक्षक आत्मतत्व के आध्यात्मिक पथ के पथ दर्शक तेरा पंत प्रनेता तेरा पंथ जाग उठी तक दीर जगत की पुल है जन जन मन जय हे जय दीपानंदन जय हे जय दीपान जैन जगत के दिव्य सितारे तव चरणों में वंदन जय हे जय दीपान जय हे जय जले निरंतर बाती बन कर फेली ज्योति घर घर चले निरंतर बाती बन कर फेली ज्योति चले निरंतर अभी चल पथ पर पुरुषता तुझ सहचर पौरुषता तुझ सत्य शोध के लिए समर्पित सारा तन मन जीवन जय हे जय दीपानंदन जय हे जय दीपान जैन जगत के दिव्य सितारे तव चरणों में वंदन जय हे जय दीपानंदन जय हे जय दीपानंदन तो ये तेरा पंथ धर्म संका जो उद्भव हुआ वह यह समझ सकते हैं सत्य शोध के खातिर हुआ है। तो जैसे कि कल मैंने बताया कि तेरा पंथ धर्म संघ की जब नींव रखी गई थी तेरे साधु थे उन तेरे साधुओं में आठ सामभोगिक थे छह साधु ऐसे थे जो अंतिम समय तक अर्थात अपने प्राणों तक अंतिम स्वास्थ्य तक वे इस तेरा पंथ के अंग बने और जो दो साधु थे वे कुछ समय पश्चात पृथक हो गए थे इसलिए छह इस साधु लेकिन साधु अंतिम समय तक साथ निभाने वाले रहे तो इस दृष्टि से आठ जने सांभोगिक रहे और वैसे देखा जाए तो छह साधु अंतिम समय तक इस तेरा पंथ के अनुयायी के रूप में रहे तो कुल तेरे साधु थे उनमें दो साधु कालवादियों की और जुखाव होने के कारण वे साम्भिक नहीं कहलाए नहीं बने और तीन साधु जिनके अनेक बोलों में भिन्नता थी बत था, इसलिए वे भी साम्भोगिक नहीं बन पाए तो जो छह साधु थे आठ साधु थे वे साम्बोगिक हुए और छह साधु अंतिम समय तक साथ निभाने वाले रहे और कल की घटना जो चल रही थी वह यह थे कि, कि खाद्य संयम पर कल बात चल रही थी तो आचार्य भिक्षु वे सारी व्यवस्थाओं को ऐसी व्यवस्था देते थे कि कोई भी उनके सामने कोई हिचकिचाहट नहीं कर सकता था कोई कुछ बोल नहीं सकता था और वे साधना को महत्व देते थे तो उन्होंने किसी संत ने उनके सामने कह दिया कि मैं ठंडी रोटी नहीं खा सकता आचार्य भिक्षु ने कहा कोई बात नहीं, नहीं खा सकते हो तो उन्होंने व्यवस्था कर दी उन्होंने संविभाग की व्यवस्था की उन्होंने क्या किया गोचरी में ठंडी रोटी भी आई थी गरम रोटी भी आई थी और लड्डू भी आए थे तो और गरम रोटी रख दी और कहा कि अब कि जिसको जैसी रुचि हो उसके अनुसार ले ले अब किसी को बोलने का अवकाश ही नहीं रहा अपने दीक्षा पर्याय से सब ने अपना अपना हिस्सा ले लिया तो आचार्य भिक्षु कांटा निकालना जानते थे वे इतने बुद्धिमान थे चाहे वे बचपन में थे या दीक्षित होने के पश्चात हो उनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र थी चाहे कैसी भी परिस्थिति आई वे हर परिस्थिति में हार नहीं माने जब वे बचपन में ठाकुर जी के साथ कहीं जा रहे थे जाके पुनः अपने गांव की ओर लौट रहे थे तो रास्ते में ठाकुर जी के पैर थोड़े लड़कर लगे तो स्वामी जी ने देखा भिकन जी ने देखा क्या हो रहा है तो उन्होंने पूछा कहा भाई बीकन मेरे से अब चलना बड़ा मुश्किल है क्यों कि नस्वार खत्म हो गई नस्वार खत्म हो गई उसके सूंगे बिना मेरे से चल नहीं सकता व्यक्ति की बड़ी व्यवस्था होती है ये नशे की ऐसी चीजें होती है जब खत्म हो जाती है तो चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए आचार्य तुलसी के समय कहते हैं कि लाडनों में शिविर लगा एक व्यक्ति की आदत थी खेनी खाने और खेनी नहीं खाए तो पेट साफ हुए नहीं बड़ी समस्या थी अब शिविर में बंद खेनी खाने नहीं तो शाम के समय शिवरात्रि लोग वंदना करने गए बोलते हैं वंदा नमनसामी सक्करे में सम्माने मी, मी कल्याणम मंगलम देवियम चेयम पज गया स्वामी मथेर मंदा पजवा स्वामी नहीं बोलते पज गया स्वामी मथेर मंदा तो भाई जी महाराज पास में बिराजे थे भाई जी महाराज ने कहा अरे बेगवानी सुन सुन क्या बोला तुमने मिचान महाराज क्या हुआ महाराज ये बात है तू तो व्यक्ति की बड़ी समस्या होती है आदत का बड़ी लाचार होती है तो अब उस व्यक्ति का पैर लड़खड़ाने लगा तब तो आचार्य भिक्षु ने क्या किया ठाकुर जी से कहा कि आप थोड़ा धीरे धीरे आगे चले मैं कहीं खेत में निंग करता हूं मिल जाए तो अच्छी अब खेतों में इधर उधर जानकारी की मिली नहीं तो क्या किया तो कहते हैं कि कंडे पड़े थे कंडे पड़े थे गोबर तो उसको उठाया थोड़ा सा उसको मसला और थोड़ी सी उसकी बुर्की बनाई और लेके आके कहा कि ठाकुर साहब ज्यादा बढ़िया तो नहीं मिली ऐसी वैसी मिली है ठाकुर जी ने हाथ में लिया कहा अरे भिकन कहा तो चल जाएगा तो इतने बुद्धिमान थे भिकन जी जो हर परिस्थितियों को कैसे न कैसे हल निकाल लेते तो स्वामी जी ने इस धर्म संघ की जो स्थापना की ऐसे समय में की कि इसका बाल कोई भी वाका नहीं कर सकता और उन्होंने ऐसे ऐसे नियम दिए मर्यादा बनाई कि उस मर्यादाओं पर चलने वाला निश्चिंत से रहता है और उनके जीवन में अनुशासन प्रियता चाहे अपना प्रिय से प्रिय शिष्य क्यों न हो जो मुनि भारमल जी थे, थे कितने क्यों न हो, लेकिन उन पर भी वे अनुशासनात्मक कार्रवाई करते थे। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य को कहा कि भारमल यदि कोई व्यक्ति तेरी गलती निकाले तो तुझे एक तेला का प्रश्न दर समिति में कोई गलती निकाल दे तो तेला का प्रश्नदार इतिहास ऐसा बताता है कि उनके जीवन में प्रायश्चित स्वरूप कोई इतला नहीं करना पड़ा कितनी बड़ी बात है यह बहुत बड़ी बात है कि प्रायश्चित स्वरूप को इतला नहीं करना पड़ा तो ऐसे भारमल जी स्वामी जो अनुशासन प्रिय थे वे भी आचार्य भिक्षु के चरणों में रहकर अनुशासन को जिया है और अनुशासन में रहना सीखा है और निर्भीक थे हर स्थितियों में निर्भीक रहे चाहे केलवा का उपसर क्यों ना हो जब सरप ने आंटे लगा दिए लेकिन हिले नहीं वहीं के वहीं खड़े रहे उस उपसर्ग से घबराए नहीं तो हमें ऐसे ऐसे प्रतापी आचार्यों का सानिध्य मिला है आचार्यों ने इस धर्म संघ को सींचने का प्रयास किया है तो हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं ऐसा धर्म संघ प्राप्त किया है अनेक घटनाओं को ले सकते हैं जिनके माध्यम से हम जान सकते हैं कि तेरा पद धर्म संघ को कैसे सुदृढ़ किया गया चाहे शावक सावकाओं ने अनुशासनात्मक गलती की हो तो भी आचार्यों ने कार्यवाही किया है और कार्यवाही करके इस धर्म संघ को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया है स्वामी ने अपने युग में दो श्रावकों को धर्म संघ से संघ से विच्छेद किया क्योंकि वे अनुशासनहीनता का कार्य कर रहे थे इसलिए उन्होंने भी उस समय में भी धर्म संघ में ऐसी कोई समस्या खड़ी ना हो जाए इसलिए दो शावकों को धर्म संघ से विच्छेद विछे, किया तो बंधुओं बहनों यह धर्म संघ आचार्य प्रधान धर्म संघ है एक नेतृत्व प्रधान धर्म संघ है इस धर्म संघ के माध्यम से हम अपनी साधना को और अच्छा कर सकते हैं तो इसलिए गुरु जो करते हैं वे बहुत ही सोच समझ कर करते हैं चिंतन पूर्वक करते हैं एक घटना प्रारंभ करने जा रहा हूं वह घटना इस प्रकार की है कि विक्रम संबत अठारह से की बात है गंगापुर में मुनि जीवो जी को रूपचंद जी ने दीक्षा प्रदान की उनके बड़े भाई दीप जी जो थे एक वर्ष पूर्व ही उन्होंने आज्ञा पत्र लिख लिया लेकिन कालांतर में वे किसी कारण से कुछ अनुकूल कम रहे संघ के प्रति निंदा करना दुष्प्रचार करना ऐसा काम करने लगे तो अनेक लोग उनसे प्रभावित होने लगे उन्हें प्रश्रय देने लगे उनके निंदात्मक कार्यों में प्रचार प्रसार में सहयोग देने लगे लेकिन उसमें एक गांव मुख्य था वह कौन सा था लावा सरदारगढ़ वह उनका मुख्य रूप से सहयोग दे रहा था तब स्वामी ने, जो द्वितीय आचार्य थे उन्होंने साधु साधियों को निर्देश प्रदान किया कि फिलहाल कोई भी साधु साधी लावा सरदारगढ़ में नहीं रुकेंगे लेकिन आज के युग की स्थिति उस समय नहीं थी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी सभी के पास ये संचार का माध्यम नहीं होने के कारण यह सूचना नहीं पहुंची कहते हैं कि मुनि मोजी राम जी कुछ दिन वहां लावा सरदारगढ़ रुक गए अब वहां कुछ दिन रुकने के पश्चात संभवतः भारमल जी स्वामी कांकरोली या राजनगर विराज रहे थे वे वहां दर्शन करने आए और भारमल जी स्वामी को पता चला मोदी राम जी निषेध होने पर भी आज्ञा के विरुद्ध कार्य किया है लावा सरदारगढ़ रुके तो तत्काल सभी संतों को निर्देश दे दिया कि जब तक इस बात का खुलासा न हो तब तक कोई भी साधु उठ के वन, उनको वंदना नहीं करेगा उनके खंदे पर जो बोझ भो, है वो बोझ नहीं होता रहेगा उनके सामने नहीं जाएगा हालांकि हमारे गुरुकुलवास में एक नियम होता है कोई भी साधु साध भी संतों के लिए विशेष कर है कि वे जब सामने न जाएं यदि सामने दिखना चालू हो जाए तब जा सकते लेकिन एक किलोमीटर दो किलोमीटर तीन किलोमीटर ऐसे सामने नहीं जाना है। क्योंकि गुरु की गुरु का महत्व है इसलिए वो विधान नहीं है लेकिन किसी को जाना हो विशेष आज्ञा लेके जा सकते हैं और ऐसे सामने दिख जाए तब सामने जा सकते हैं लेकिन अब यहां पे कोई संत खड़े नहीं हो रहे कोई वंदना नहीं कर रहे कोई सामने नहीं जा रहे कोई बोझ नहीं उतार रहे दोनों एक दूसरों को देख रहे हैं कौन मोजी राम जी आदि संत वे संतों को देख रहे हैं और ये संत उनको देख रहे हैं। आखिर में उन्होंने खुद ने ही अपना बोझ उतारा और गुरु के चरणों में नत हुए गुरु के चरणों में नत होकर वंदना की लेकिन देखा गुरुदेव का हाथ सिर पर नहीं आया गुरुदेव का हाथ सिर पर नहीं आया है अब जैसे यह देखा तो मन में आशंका उत्पन्न जब तक शिष्य के सिर पर गुरु का हाथ न आए तब शिष्य का मन बड़ा बेचैन हो जाता तो मुझी राम जी स्वामी बड़े बेचैन हो गए अब वे जानना चाह रहे हैं कि गुरुदेव किस कारण से नाराजगी है तो अब जानने के लिए समय की बड़ी आवश्यकता है तो मैं चाहता हूं कि वह समय आए तब आप जाने तो आपको इस समय के लिए प्रतीक्षा करना है तो इसके लिए आप उस समय का इंतजार कीजिए आप जान पाएंगे अब मैं निवेदन करता हूं आदरणीय मुनिश्री अजित कुमारे मंगलमय धर्म हमारा है मंगलमय जीवन में एक सहारा है जीवन में मंगलमय धर्म हमारा है मंगलमय सुख मिलता है पुण्योदय से सुख मिलता है पुण्य दुख मिलता है पापोदय से दुख मिलता है कल्याण धर्म के द्वारा है कल्याण मंगलमय धर्म हमारा है मंगलमय धर्म हम जीवन में एक सहारा है जीवन में एक अलमय धर्म हमारा है मऊ अल आराध्य के चरणों में वंदन अंत विराजित बहुसूच परिषद के संयोजक श्री महेंद्र कुमार स्वामी के चरणों बंधन उपस्थित मुनिवृंद धर्मानुरागी बंधुओं बहनों भगवान महावीर के जीवन पूर्व भावों के विषय में बताया जा रहा है भगवान महावीर का पहला भव नये सार का दूसरा देवगति का एक पल्योपम का आयुष पूरा कर नए सार का जीव पुनः मनुष्य के रूप में उत्पन्न होता है भगवान ऋषभदेव का पुत्र भरत चक्रवर्ती उनके पुत्र के रूप में वह नए सार का जीव वहाँ राजकुमार के रूप में उत्पन्न हुआ और जब राजकुमार बड़ा होता है तो एक बार ऐसा प्रसंग बना भगवान ऋषभदेव जब साधु बन गए और तीर्थंकर थे देशना देते हुए अयोध्या नगरी में पधारे वहाँ पर प्रवचन हुआ और जब प्रवचन होता है तीर्थंकर पधारते हैं तो समव होता है लोग प्रवचन सुनने के लिए आते हैं साधु साध्वियाँ श्रावक और श्राविकाएँ वहाँ पर होती हैं और देव भी आते हैं इंद्र भी सारी समवसरण की रचना आदि करते हैं इस प्रकार वहाँ यह सारा चलता है तो उस समय वह जो राजकुमार भरत का पुत्र उसका नाम था मरिची कुमार वह भी जब थोड़ा बड़ा हो गया था तो भगवान के समोसरण में आया पता चला कि मेरी दादा हैं तो देश प्रवचन सुना और कहते हैं प्रवचन का देशना का इतना प्रभाव हुआ कि उसके मन में वैराग्य भावना आ गई देखिए उस जमाने में पता नहीं बहुत लोग थे केवल इसके मन में ही आई ऐसा नहीं बहुत लोगों के मन में आ जाती है वैराग्य भावना अभी भी बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके मन में जब प्रवचन सुनते हैं भावना आती है परंतु साहस नहीं कर पाते हिम्मत नहीं कर पाते कई कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत मनोबल जुटा करके हिम्मत कर लेते हैं तो अपना काम सिद्ध कर लेते हैं परंतु कुछ व्यक्ति साहस नहीं कर पाने के कारण वे पीछे रह जाते हैं हमने देखा है आचार्य श्री तुलसी के टाइम में अनेक व्यक्ति ऐसे थे जिनके मन में तीव्र भावना थी परंतु परिवार वालों ने आज्ञा नहीं दी कुछ कठिनाइयाँ होती है शारीरिक कईयों की कठिनाइयाँ होती है कुछ अवस्था का भी होता है गंगा शहर जब आचार्य श्री तुलसी का चातुर्मास था उस समय एक ऐसा प्रवाह चला कि जब छोटे तो बैरागी तैयार हुए ही परंतु बड़े बड़े साठ वर्ष के पैंसठ वर्ष के ऐसे व्यक्ति भी दीक्षा के लिए तैयार हो गए अब राजकण जी स्वामी के जो भाई थे पूर्णानंद जी पूनम जी नाम था तो वे वहीं पर सेवा करते थे आचार्य श्री के रात्रिकारण पंडाल था वहीं पर ही सोते तो एक दिन आचार्य तुलसी ने उनको प्रेरणा दी और कहा पूनमचंद पिताजी की सेवा नहीं करेगा बस ऐसी भावना जगी और वे तैयार हो गए उनके तैयार होते ही कई व्यक्ति और त्या आए और क्या मुझे भी दीक्षा लेनी है मुझे भी दीक्षा लेनी है आचार्य तुलसी पारखी थे किसको आज्ञा देनी किसको नहीं देनी क्या कंडीशन सारी जानकारी करके करने के बाद फिर उन्हें आज्ञा मिलती एक भाई था जिसे बहुत भावना अर्ज करी लेकिन आचार्य कृष्ण का श्रावक व्रत पालो श्रावक ही अच्छे हैं देखिए ठीक है गुरु की मर्जी तो पूनम चंद जी स्वामी को साठ वर्ष की उम्र में दीक्षा दी आज भी आचार्य श्री महासमर जी ने बड़ी बड़ी उम्र में कितनी दीक्षाएं दी है और अब तो बंद कर दिया कि साधु मुनि भाइयों के लिए पचास पचास वर्ष की उम्र और बहनों के लिए 45 वर्ष की उम्र के बाद सामान्यतः कोई विशेष परिस्थिति आचार्य के हाथ में है पर सामान्य रूप से वे अभी दीक्षित नहीं करते परंतु भावना दीक्षा की मन में आ जाए तो देखो भावों से व्यक्ति तर जाता है भावों का सारा खेल है प्रसन्न संत राजी भावों भावों से कैसे पार हो गए तो बंधुओं भावों अपने विचार भावना पवित्र रखनी ही चाहिए हमेशा श्रावकों का यह कर्तव्य है कि वे भावना भाए तो ऐसे ही यह मरीचि कुमार के मन में ऐसी तीव्र भावना आई कि मैं भी साधु बनूं और भगवान से अर्ज किया निवेदन किया प्रार्थना की कि मुझे साधु बनना है और भगवान ने कहा दीक्षा लेनी है कोई दिक्कत नहीं तैयार हो जाओ तो दीक्षा दी और उन्होंने भगवान के पास अब वह मरिची राजकुमार भगवान के पास साधु बन करके अपनी साधना कर रहा है अब साधना करते करते ग्यारह अंगों का अध्ययन किया उस समय आगम नहीं अंग थे ग्यारह अंगों का अध्ययन किया और वे अंगारह अंग अच्छी तरह से उन्होंने कंठस्थ कर अपनी साधना में लग गए बंधुओं जीवन बहुत लंबा होता है तो जब कभी परिसह का उत्पन्न होते हैं तो व्यक्ति की परीक्षा होती है वे कितने परिसहों को सहन कर सकता है अब इधर राजकुमार और भयंकर गर्मी का समय आया और प्यास लग गई इतनी प्यास जिस कारण से उसका मन विचलित तो हो गया कि देखो मैं इतना सहन नहीं कर सकता तो मुझे क्या करना चाहिए एक बार मैंने घर छोड़ दिया अब वापिस घर जाऊं या मेरे लिए अच्छा नहीं तो मुझे क्या करना चाहिए यूं चिंतन करते करते उसने विचार किया कि मुझे अब ऐसी साधना करनी चाहिए जिससे पहले से मैं कुछ छूट रख लूँ तो भगवान के पास गए और कहा महाराज मैं तो अब साधुपना नहीं पाल सकता और मुझे अब अलग तो वहाँ से वे अलग हो करके के और उन्होंने मन में कुछ ऐसे विचार किए और वे जो नियमों में कुछ ढील रख ली कुछ आगार रख लिए और अपनी साधना में कर, साधना करने लगे अब वह मरिची कुमार क्या क्या आगार रखता है कि साधु मन डंडेनमंग वह डंडेनमंग काय डंडेनमंग तीन दंड होते हैं उस तीन दंड से वे जितेंद्रिय होते हैं पर मैं मन वाणी और काया से अगुप्त अजितेंद्रिय हूँ इसलिए मुझे हाथ में एक प्रतीक के रूप में दंड त्रिदंड रखना चाहिए तो उन्होंने एक त्रिदंड करके एक डंडा अपने हाथ में रखने का निर्णय किया श्रमण सर्वथा प्राणातिपात ब्रमण के धारक होते हैं सर्वथा हिंसा के त्यागी होते हैं इसलिए वे मुंडित होते हैं पर मैं हिंसा का त्यागी नहीं हो सकता मैं स्थूल हिंसा से निवृत्त करूँगा निवृत्ति करूँगा और शिखा सहित क्षुरमुंडन करूँगा यानी चोटी रखूँगा और लुंचन नहीं कराऊंगा अभी आपने देखा हम छह संत हैं यहाँ पर छह ही संतों का लुंचन हो गया तो लुंचन हाथ से करते हैं उस तरह से नहीं परंतु उसके मन में आया कि मैं लुंचन नहीं करा सकता कष्ट होता है दर्द होता है तो मुझे अब उस तरह से मुझे करना है और चोटी रखूंगा रखूँगा ठीक है अब उसकी इतनी क्षमता नहीं थी इसलिए वे आगा रखता हुआ निर्णय कर रहा है और श्रमण जो होते हैं वे कंचन और कामिनी के त्यागी होते हैं और शील की सौरभ वाले होते हैं किंतु मैं परिग्रहधारी और शील मुनिचर्या की सुगंध से रहित हूँ अतः मैं चंदन का लेप लगाऊंगा इस प्रकार वह आगा रखता हुआ अपनी आगे है आगे निर्णय कर रहा है श्रमण निर्मोही होते हैं और मोह ममता से मैं मोह ममता से युक्त हूँ अतः छत्र धारण करूंगा और पैरों में चप्पल रखूंगा खड़ाऊ पहनूंगा शुक्लांबर होते हैं जो स्थविर कल्पी हैं वे निर्मल मनोवृत्ति के प्रतीक श्वेत वस्त्र धारण करते हैं पर मैं कसाय से कलुषित हूँ अतः मैं काषाय वस्त्र गेरुए वस्त्र धारण करूँगा तो कुछ व्यक्ति दिगंबर होते हैं और कुछ व्यक्ति श्वेतांबर होते हैं लेकिन मैं इन वस्त्रों से रहित और गेरुए वस्त्रों का गेरु गेरुए वस्त्र रखूँगा क्योंकि यह पहचान होगी कि मेरे भीतर कसाय है पाप भीरु श्रमण जीवाकुल समझकर सचित जल आदि का आरंभ नहीं करते किंतु मैं परिमित जल का स्नान पान आदि में उपयोग करूँगा अब देखिए इस प्रकार इतनी छोटे रख करके और उसने अपनी साधना का अंग वैसे ही चालू रखा अब वह अपनी साधना में सजग है और साथ में भगवान के साथ साथ चलता है भगवान जहाँ जहाँ पधारते हैं भगवान जिस स्थान पर विराजते हैं वह अलग दूसरे स्थान में पर रहता उसी गांव में है इस प्रकार वह अपनी साधना कर रहा है मन में सोचता है कि जो भगवान के सिद्धांत है भगवान की बातें हैं बिल्कुल सही है पर मैं उसका पालन नहीं कर सकता इसलिए मुझे इन चीज़ों की छूट रख करके मैं अपनी साधना कर रहा हूँ इस प्रकार वह अपने जीवन में साधना करता हुआ आगे बढ़ रहा है एक बार भगवान का पुत्र भरत चक्रवर्ती भगवान के दर्शन करने के लिए गया वहाँ पर जाने के बाद भगवान से जब प्रवचन पूरा हुआ देशना पूरी हुई तो एक प्रश्न किया बनते आपकी सभा में ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस अवसर अवसर्पिण काल में आपके समान तीर्थंकर बनेगा देखिए हर व्यक्ति के मन में ऐसी जिज्ञासा होती है कि मैं इतनी साधना करता हूँ तपस्या करता हूँ तो भगवान से पूछूं, जो अवधि ज्ञानी हैं, केवल ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं भगवान तो तीर्थंकर थे सर्वज्ञ थे केवल ज्ञानी थे तो उनसे प्रश्न करेंगे किया तो उसका सही समाधान प्राप्त होता है तो न, उन्हें भग, भगवान ने भ, भ, पुत्र ऋषभ चक्रवर्ती को यह बात फरमाते हैं कि देख इस सभा में तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है पर एक बात है, है इस सभा में तो नहीं है पर इस सभा से बाहर यानी तुम्हारा ही पुत्र मरिचि कुमार जो इस पिणी काल के अंत में तीर्थंकर यानी चौथे आर्य के अंत में तीर्थंकर चौबीसवें तीर्थंकर बनने वाले हैं अच्छा अब बड़ी खुशी हुई भगवान ऋषभ ने यह बात कही और भगवान ने कहा कि यह केवल इतना ही नहीं यह त्रिपिष्ट नाम का पहला वासुदेव बनेगा महाविदेह क्षेत्र में मूका नगरी में प्रिय मित्र नाम का चक्रवर्ती भी बनेगा अब ये तीन चीजें वह जीव एक ही जीव तीन तीन पदवियाँ देखिए कितनी बड़ी विचित्र बात और तो गौरव की बात भगवान का पौत्र भरत का पुत्र और यह तीन पदवियाँ अब पिता के मन में कितनी प्रसन्नता होती है खुशी होती है आज आपके ही कोई पुत्र परिवार में कोई ऊंची पोस्ट पर चला जाता है तो कितनी एक खुशी होती है प्रसन्नता होती है एक घर का माहौल ही अलग हो जाता है तो भगव भरत चक्रवर्ती के मन में भी बहुत खुशी हुई बहुत प्रसन्नता हुई तो अब भरत जी सोच रहे हैं कि मुझे यह बात अपने पुत्र मरीचि कुमार को बताने चाहिए वे वापिस अपने घर जा रहे थे तो रस्ते में वहाँ मरीचि कुमार था वहाँ पर जाते हैं और जा कर के वे जब उन्हें बताएंगे और उसके मन में क्या प्रतिक्रिया होगी तो मैं आगे कल जैसे अवसर होगा या नहीं तो फिर परसों बताने का भाव रखता हूँ और आज आपके स्वाध्याय दिवस पर मैं ये खाली गीत सुना करके अपनी बात को पूर्ण करूँगा स्वाध्याय के विषय में संतोष आप लोगों ने सुना स्वाध्याय करने से बहुत कुछ विकास होता है स्वाध्याय पर एक गीत है सज्ञान विकास अगर करना स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो सज्ञान विकास अगर करना स्वाध्याय करो स्वाद स्वाध्या... अध्यात्म प्रकाश अगर भरना स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो अध्यात्म प्रकाश अगर भरना स्वाध्याय करो स्वाध्याय कर ज्ञान विकास अगर करना स्वाध्याय करो, करो।, करो आगम स्वा प्रति से घ्र समस्या है हल करते से घ्र समस्या मन में उल्लास अगर भरना स्वाध्याय करो स्वाध्याय का कर। मन में ओल से अगर भरना स्वाध्याय करो सज्ञान विकास अगर स्वाध्याय स्वयं को पढ़ना है स्वाध्याय स्वयं को जीवन में गुण मढ़ना है जीवन में गुण मधना जागृत विश्वास अगर करना स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो जागृत विश्वास अगर करना स्वाध्याय करो ज्ञान विकास अगर करण स्वाध्याय करो स्वाध दीपक कर तम नाश मंदिर में दिव्य प्रकाश भरे मंदिर में दिव्य प्र... भरे कर्मों का तास अगर हरणा स्वाध्याय करो त्रास अगर हरण स्वाध्याय करो स्वाध्याय सद ज्ञान विकास अगर करण स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो अध्यात्म प्रकाश अगर भरण स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो तो हमारे जीवन में अगर सद ज्ञान का विकास करना है अध्यात्म का प्रकाश करना है तो हमें स्वाध्याय पर ध्यान देना होगा क्योंकि एक ही माध्यम है अगर हम स्वाध्याय करेंगे जितना पढ़ेंगे व्यक्ति पढ़ता है स्कूलों में पढ़ता है कॉलेजों में पढ़ता है लेकिन वह पढ़ाई ठीक है जीवन में और दूसरी जगह काम आती है परंतु अध्यात्म की पढ़ाई जो है ज्ञान अध्यात्म के लिए जो धर्म की पढ़ाई वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए इस आत्मा के उत्थान के लिए तो यह जो अभी उत्थान उत्कर्ष का कार्यक्रम चल रहा है उसके माध्यम से हम अपने जीवन में ज्ञान का विकास करते रहे बहुत ऐसे आयाम हैं, जिन आयामों से हम छोटे छोटे आयाम दिए हैं उन आयामों से हम अपने जीवन में ज्ञान का विकास करते हुए इस मनुष्य जीवन को हम सफल बनाए, यही प्रेरणा देता हुआ आज के इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं और आगे तपस्या का जो क्रम चल रहा है कई भाई व्यक्तियों के कल उपवास था पोषित किया और भी आज किसी ने बेला आदि का त्याग भी किया है आगे भी कई तो कोई व्यक्ति आज उपवास बेला तेला कोई चाहे उपवास वाले कोई व्यक्ति हैं उपवास कल सवेरे सूर्योदय तक बेला बेला बाद में उपवास वालों का कल उपवास चौथ भक्त तीनों हार का धारणा प्रमाण है सूर्योदय तक त्याग है बेलेगा अच्छा चंदन बाला के तेले चल रहे हैं हाँ कल सवेरे सूर्योदय तक छठ भक्त का तीनों हार का त्याग है और तेला तेले से ऊपर तेला कल सवेरे सूर्योदय अठम भक्त का तीनों हर का त्याग है और हैं अच्छा हाँ कर लिया बड़ी मासे क्या कर दिया ठीक है आई एम बी एक हैं नो हाँ नौ दिन अठारह उन्नीस बीस बीस भक्त का धारणा प्रमाणे कल सवेरे से त्याग है एक आसन आय बिल एक आसन वाले हैं धारणा है कल सवेरे सूर्योदय आयम बिल और एक आसन का धारणा है सुखे समय त्याग है काल को अषय बता दिए कल सामायिक दिवस है और हाँ सभी अभिनव समाय का अभिनव समाय का कार्यक्रम रहेगा और चतुर्दशी भी है तो हाजरी का भी कार्यक्रम रहेगा तो गणवेश में सभी भाई बहन और कोई सूचना देनी है दे दी मुनि अभिजीत कुमार जी सूचनाएं दे रहे हैं मुनि श्री महेंद्र कुमार जी स्वामी के दर्शन आप सभी इधर से क्योंकि मुनिश्री यहाँ पर जब पधारते हैं तो ए के कारण से शरीर में अवस्था है ठंड लगती है ऐसे ही और फिर ठंड गए तो तो इसलिए मुनिश्री ने फरमाया कि मैं वहाँ गेट पर ही दर्शन दे दूँगा दूर से ही सभी भाई बहन दर्शन कर लेंगे और वहाँ अभी सूचना मुनिश्री सिद्ध कुमार जी के संसार पक्षी दादी जी हैं श्रीमती सज्जन देवी चुरड़िया उनको आदर्श शिक्षक का अलंकरण दिया गया है ये जानकारी मिली और कल सामायिक दिवस है तो सामायिक के लिए गणवेश सामायिक किट के साथ फिट रहना है मुखवस्त्री का आसन पूंजनी आदि अपने साथ हो इसका विशेष समय का नियोजन करें ठीक सुबह नौ बजे सामायिक का क्रम रह सकेगा तो सामायिक के लिए पूर्व भूमिका में आठ इकतालीस का जो समय रखा गया अनुष्ठान आदि का वो यथावत रहेगा तो समय के साथ जुड़े और रमेश जी धोखा कुछ विशेष सूचनाएं आपको दे रहे हैं वो ध्यान से सुनेंगे और सभी लोग ध्यान रखें ग्यारह बजे का ये समय है तो ये ग्यारह बजे तक पूरी स्थिरता पूरी एकाग्रता तन्वयता रखे और रात्रि कालीन में छः इकतालीस से अरद प्रतिक्रमण अरद वन्ना आदि क्रम रहेगा एक्टिविटी रहेगी साढ़े आठ से आठ तीस से नौ चालीस ये सेवेंटी मिनट्स का लगभग ये प्रवचन का क्रम कालीन रखा गया है जिसमें ऐतिहासिक संस्मरण पावन प्रेरणाएँ और आठ कर्मों को कैसे समझे गणित आठ कर्मों का इस विषय पर कुछ संबोधन रहेंगे प्रैक्टिकल लाइन में तो जरूर जुड़ने का और बच्चों को जोड़ने का विशेष प्रयास रखें बनते परम पूज्य युग प्रधान गुरुदेव आचार्य श्री मारसमंद जी के पावन चरण शीघ्र ही मुंबई की ओर गतिमान होने वाले हैं हमें मुंबई में विराजित चरित आत्माओं के मार्गदर्शन में चातुर्मास की तैयारी करनी है हम हरित उत्कर्ष यानी अनुरोध जीवन विज्ञान गुलाबी उत्कर्ष यानी जैन सिद्धांत दीपिका बेंगनी उत्कर्ष यानी भिक्षु विचार दर्शन तेजस उत्कर्ष यानी ध्यान शुक्ल उत्कर्ष यानी बारह व्रत आदि उत्कर्ष की योग्यता प्राप्त कर अपनी आध्यात्मिक पहचान भी बनानी है 2023 मुंबई चातुर्मास के की अभूतपूर्व एवं आध्यात्मिक तैयारी करें चार उत्कर्ष हेतु परीक्षा देनी हुए जो भी जो कि केवल मौखिक होगी संबंधित पुस्तकें बाहर काउंटर पर उपलब्ध हैं एक अथवा अनेक उत्कर्ष की योग्यता हासिल करने वालों को इस प्रकार से बेच दिए जाएंगे जिसमें आपका नाम एवं उत्कर्ष के रंग प्रदर्शित किए जाएंगे और जब चातुर्मास में हम गुरुदेव और अन्य चरित आत्माओं के दर्शन करेंगे तो बेच के माध्यम से बिना बताए पता चल जाएगा कि आपका नाम क्या है और आत्म आपकी आध्यात्मिक पहचान क्या है उपलब्ध करने का ये उपलब्ध करने हेतु सैंपल बाहर काउंटर पर उपलब्ध हैं तो आइए आज ही काउंटर पर उपलब्ध फार्म भरकर हम इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाएं और अपनी रुचि के अनुसार किसी न किसी उत्कर्ष से अवश्य जुड़ें और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जहाँ से आप फार्म प्राप्त कर रहे हैं प्रेरणा प्रदाता में वहाँ पर विराजित अग्रणी साधु साधियों के नाम अभिश्यंकित करें ये मैं यहाँ पर रख रहा हूँ दर्शन करते समय आप इनको निरीक्षण कर सकते हैं ओमर मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम तत्ता लोगुत्तम अर्ंता लोगुत्तमा सिद्धा लोकतमा साहू लोकतमा केेविपन्नत्तों धम्मो लोकतमो तत्ता शरण पवज्जा अर्हंते शरण पवज्जा सिद्धे शम पवज्जामि साहू शरण धम्म केेबिपन्नत पवज्जामि विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक् सुनो गुण ओ लक्ष समरण कि सर अचिन विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्ष सुनोन गुण लख समरण क्या चिंता विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भे सुनो गुण ओ लख समरण किया शर चिंता सर अचिन काम सर अचिन काम ये सभी भाई बहन ध्यान देंगे लाइन से अपने